This call is now being recorded. Medical Astrology Lessons for Assessment of Psychological Issues. इस विषय पे दो दिन की द्विदिवसीय नेशनल वेब वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज दूसरे दिन अपनी कार्यशाला शुरू करने से पूर्व आप लोगों के साथ बहुत संक्षेप में कल जो चर्चा की थी उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत कर लें। हम लोगों ने कल जो चर्चाएं की थी उसमें यही देखने का प्रयास किया था कि जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भारतीय पद्धति है ज्योतिष चिकित्सीय ज्योतिष शास्त्र, वो कोई मानने की बात नहीं है, वो जानने की बात है। उसका शिक्षा हम ग्रहण करें, उसका प्रशिक्षण हम ग्रहण करें और उस विद्या को, ज्योतिष विद्या को हम सीखें, जाने और समझें, तो कहीं पर भी मानने वाली बात नहीं है। और जब हमने जानने की कोशिश की तो हमने ये देखा, एक तो उसके ऊपर हमने दो तरीके से इस सारे विषय को देखने की कोशिश की कि इसके ऊपर लगने वाले आरोपों का प्रत्युत्तर भी हम दे सकें और साथ ही साथ हम ये भी देखने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें कि इसके वस्तुतः सार या प्रारूप और इसकी व्यवस्था कैसी है जिसके आधार पर हम इन सभी निष्कर्षों को निकालते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने कल ये देखा था कि एक ओर तो समय है और दूसरी ओर स्पेस है। टाइम और स्पेस के बीच में जो मनुष्य का जन्म होता है इस पृथ्वी के ऊपर, उसके आप ये अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसके जो है वो आप 12 राशियां सारे शरीर में देख सकते हैं। अलग अलग स्थानों पे आप देख सकते हैं कि कहां पर कौन से है, जिसके बारे में कल डॉक्टर ने चर्चा की थी विस्तार पूर्वक। और उसी तरह शरीर के प्रत्येक अंग को कौन कौन से जो ग्रह हैं वो प्रभावित करते हैं और किन से उनका संबंध है, कल हमने इस बात को समझा था। और फिर आगे हमने ये और विस्तार पूर्वक देखने की कोशिश की थी कि एक ओर जो हमारे ग्रह हैं नवग्रह और दूसरी ओर ये जो हमारी 12 राशियां हैं, इनके बीच में जो मनुष्य को 12 भावों में बांटा जाता है, उन भावों को देखते हुए हम लोगों ने अनुमान करने का प्रयास किया था कि किस प्रकार जो है ये हमें रोग देते हैं, रोग कब तक रहेंगे और रोगों से निदान कब तक हो जाएगा और प्लस उसके लिए उपाय क्या संभव हो सकते हैं, उन सारे विषयों को हम आज अग्रसर करेंगे। और इसी संदर्भ में हमने एक दो बातें और भी जानने की कोशिश की थी लेकिन उसका हमें समय नहीं उपलब्ध हुआ और उसके लिए हमें विशेषज्ञ अलग से चाहिए होंगे कि ये जो टिश्यू साल्ट्स होते हैं, बायोकेमिकल साल्ट्स 12, वो भी 12 हैं होम्योपैथी में, कल्केरिया फ्लोर से लेकर के साइलिशिया तक, उनका भी संबंध जो है वो 12 जोडियक साइन से है, 12 राशियों से है और प्रत्येक राशि का अपना एक विशेष सॉल्ट है। और प्रत्येक सॉल्ट के अगर आप गुण दोष देखेंगे तो वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिसिन का काम करती हैं, ये बात हमने वैसे जानकारी के लिए साथ में ली थी। और साथ ही साथ हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, कौन सी ऐसी हर्ब्स हैं जो हमारे लिए राशि के अनुसार जो है उपयोगी हो सकता है। इस सब चीजों को हम धीरे धीरे आगे विस्तार में लेंगे लेकिन आज का जो विषय है जो हमने कल आरंभ किया था कि छठे भाग से ये जो हाउस है इससे हम किस तरह से कौन से घरों को देखते हैं जहां पर कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, किस ग्रह के प्रभाव से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, उन सारे विषयों को डॉक्टर साहब आज हमारे लिए और स्पष्ट करेंगे और हम उसमें और अधिक अग्रसर होंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करना चाहूँगा, डॉक्टर मुकेश शर्मा जी को, जो कि अध्यक्ष हैं संस्कृत विभाग डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर में, कि आज के दिन का वो हमारे साथ चर्चा को अग्रसर करें कि हम किस प्रकार से इन सारे विषयों को देखें, समझें। और जैसा कि मैंने कल भी आप लोगों से कहा था और आज भी अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ मानने वाला कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो जानने वाला है, समझने वाला है और एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तो उस दृष्टि से आप लोग अपने ज्ञान को वर्धित करें, अपनी दृष्टि का विकास करें
और अपनी दृष्टि को साथ ही साथ अधिक सूक्ष्म करें। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को कि वो इस विषय पे चर्चा आरंभ करें। मुकेश जी कर दिया जी। डॉक्टर साहब जी आपका धन्यवाद और आप सभी को मेरा प्रणाम। अपना विषय जो हमने कल जहाँ पर छोड़ा था उसको मैं एक बार पुनः से 2 मिनट के अंदर रिवाइज करने का प्रयास करूँगा संक्षेप में, और फिर हम अपने आज के जो टॉपिक है उसको जोड़ते हुए, उसकी कड़ी को आपस में जोड़ते हुए फिर हम उसको प्रारंभ करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में हमने ये विचार किया था रोग के दृष्टिकोण से कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसके अंदर हमारे जो 12 भाव होते हैं और जो 12 राशियां होती हैं और जो हमारे ग्रह, जो भारतीय ज्योतिष में हम जिन नव ग्रहों को लिया करते हैं, वह हमारे शरीर के अलग अलग अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको यदि हम एक तर्क के साथ समझने का प्रयास करें, हमारा जो सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम में सूर्य जो है वो मध्य में है और बाकी जो अन्य पृथ्वी आदि मंगल आदि जो ग्रह हैं वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जिस प्रकार सोलर सिस्टम में सूर्य जो है वो बाकी अन्य ग्रहों का आधार है, सूर्य की जो ग्रेविटी है, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसने अन्य ग्रहों को अपने चारों ओर जो है उसी ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण चलाया हुआ है अपनी कक्षा में, यानी अन्य जो सोलर सिस्टम के जो अन्य सदस्य हैं उनका जो आधार है वो सूर्य है। उसी प्रकार से हमारा अगर पूरा शरीर देखें आप तो हमारा पूरा शरीर जो टिका हुआ है रीढ़ की हड्डी का भी टिका हुआ है। एक बात आप देखें कि सूर्य जब उदय होता है तो प्रकाशित होता है, हमारा जो संसार है वो प्रकाशित होता है और प्रकाशित होने से हमें सब कुछ जो है वो दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार से जब हम रोग के दृष्टिकोण से बात करते हैं, सूर्य जैसे प्रकाश का प्रतीक है तो हमारा जो नेत्र यही काम करता है। तो सूर्य का संबंध प्रकाश से है, हमारे शरीर में देखने का जो कार्य है वो नेत्र करते हैं। तो सूर्य को जैसे रीढ़ की हड्डी है उसका कारक माना जाता है, सूर्य को प्रकाश का कारक मानते हैं और इसी प्रकार से जो हमारे नेत्र हैं वो देखने का कार्य करते हैं। तो सूर्य जो है कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी का कारक है। इसके अतिरिक्त हमारा जो हृदय है सेंटर में है, हमारे शरीर में है और हृदय ही बाकी सारी गतिविधियों को जो है वो चलाता है। तो हृदय का कारक भी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य को माना गया है और इसके सूत्र कहीं ना कहीं वेदों में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है जहाँ पर जो ऋषि हैं वहां पर सूर्य से यही प्रार्थना करते हैं कि सूर्य से प्रार्थना ये की जाती है कि मम हृदय रोगम विनाश है, हृदय रोगम शब्द वहां पर आता है। तो हम ज्योतिषी कहीं ना कहीं वो सूत्र वहां से लेते हैं और उनका आपस में संबंध जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा जो है वो मन की स्थिति का कारक है, तो चंद्रमा मनसो जाता है तो वो मन का संबंध चंद्रमा से जो है इस प्रकार से जुड़ा जाता है। और जब हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का भी संबंध इस प्रकार वेदों से प्राप्त होता है। तो ये मैंने थोड़ी सी उसकी एक तार्किक जैसे हम विचार करें तो उस दृष्टिकोण से इसकी बात की। तो मैं भी अपनी बात को आगे जो है बढ़ाता हूँ। हमने देखा कल कि किस प्रकार से हमारे भाव, राशियां और ग्रह हमारे शरीर के अलग अलग अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर हमें सामान्य जानकारी जो कि ग्रह किस राशि का स्वामी होता है, हम जो रोग का निर्धारण करेंगे उसमें 2 मुख्य बातों को लेंगे। ग्रहों के अच्छे होने या बुरे होने का निर्धारण हम 2 प्रकार से करेंगे। एक प्रकार जो सामान्य शुभ अशुभ ग्रह होते हैं, जैसे हमने बोला कि बृहस्पति सामान्य शुभ ग्रह है और शुक्र भी सामान्य शुभ ग्रह है, परंतु जो शनि, राहु, केतु, मंगल हैं इनको पाप ग्रह मानते हैं। एक तो ये सामान्य शुभता अशुभता ज्योतिष के ग्रंथों में उपलब्ध होती है, इस प्रकार से भी लेते हैं। दूसरा जो ऋषि पराशर जी ने जो कहा है, भावेश के आधार पर भाव की शुभता अशुभता, तो
उसमें उन्होंने मुख्य 3, 6, 8, 11 इन भावों के स्वामियों को अशुभ माना है। तो ये हमें, और फिर है उसके बाद हम अपनी जो ग्रहों की दृष्टि है उसको भी हम स्वीकार करते हैं। इस पर हमने कल थोड़ी बहुत चर्चा की थी, और इसमें देखिए बातें तो बहुत सारी होती हैं, पर जितना हम अधिक से अधिक जितने कम समय में कर सकें उतना हमने प्रयास किया। तो आज हम प्रारंभ करते हैं, अपने सूत्र से प्रारंभ करते हैं कि वो कौन से सूत्र हैं जो जिनके आधार पर हम ज्योतिष के द्वारा रोग का निर्धारण करते हैं। तो उससे पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्र के अंदर रोग के कई कारण होते हैं, अनुवांशिक कारण भी होते हैं कि कुछ रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, तो ज्योतिष में उनका भी कहीं ना कहीं संकेत मिलता है। मतलब आप किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली से देख करके ये भी प्रयास कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके पीढ़ी में ऐसा रोग है। तो ऐसा भी ऐसे भी सूत्र जो है वो प्राप्त होते हैं। वातावरण जो है वो कारण होता है कि व्यक्ति किस वातावरण, कई सारी बीमारियां जो है वो वातावरण से होती हैं, ऋतु परिवर्तन से होती हैं। तो वो मतलब सामान्य हम चिकित्सा शास्त्र में उन चीजों को देखते हैं, तो उन चीजों को हमें इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी जोड़ना चाहिए, और फिर ये अच्छा जो है कार्य करती है। और एक अतिरिक्त बात, जैसे व्यक्ति का अपना जो कर्म है वो कैसा है, वह अपने स्वास्थ्य के लिए कैसा प्रयत्न करता है, उसका खान पान जो है वो कैसा है, उसका आचार व्यवहार कैसा है, वो सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो इन सब को साथ में लेकर के हम ज्योतिष को साथ में और जोड़ लेते हैं, तो उससे हम बहुत अच्छे से रोग का निर्धारण, और जब हम निर्धारण के बाद उसकी जो उपाय की बात करेंगे, उसको ठीक करने की जब बात करेंगे, तो ये चीजें फिर वहां पर काम करेंगी। तो हम अब आइए, हम पहले नियम पर आते हैं इसके। केवल मैं 3 नियमों की ही चर्चा करूंगा। सबसे पहला सूत्र देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ये हमें आगे काम आएगा। सबसे पहला जो है वो है सूत्र एक, है केवल एक शब्द में इसको कहा है, स्थिति, पोजीशन इन हाउस और साइन। अब मैं इसको आपको सरल शब्दों में बता दूं, स्थिति से क्या तात्पर्य है। कल मैंने यह चर्चा की थी कि छठा भाव जो है हमारी कुंडली में रोग देने वाला ग्रह होता है। छठा भाव, हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो कुंडली में हमारा जो छठा भाव है वहां पर कौन सी राशि है, और उस राशि का कौन सा ग्रह स्वामी बनता है। जो भी ग्रह उस राशि का स्वामी होगा, उस ग्रह के पास रोग का विभाग आ जाएगा, यानी रोग डिपार्टमेंट जो है उसके पास में रहेगा। उसके बाद उसकी स्थिति जहां पर भी होगी कुंडली के अंदर, जिस भी भाव में होगी, जिस भी राशि में होगी, उस भाव और उस राशि से जो अंग हमने कल जिनके बारे में चर्चा की थी, जो भी अंग जो हैं हमारे शरीर के प्रदर्शित किए जाते हैं उस राशि से या उस भाव से, तो उन अंगों में रोग का जो निश्चयात्मक स्थिति जिसे हम कहते हैं वो वहां पर बनेगी। यानी स्थिति से तात्पर्य हमारा है कि हमारी कुंडली के अंदर जो हमारे छठे भाव का स्वामी है, यानी रोग भाव का स्वामी है, उसको हम ये देखेंगे कि वो हमारी कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। पहली बात ये हो गई। अब इसका ही दूसरा नियम है, सूत्र एक का ही दूसरा नियम है, उपनियम कह सकते हैं इसको। छठा भाव जो है हमारा रोगप्रद है, छठा भाव का स्वामी जहां बैठ जाएगा उस भाव में और उस राशि में रोग का जो है योग बनेगा। उसके बाद इसको विपरीत कर देंगे, हमारे 12 के 12 भाव अलग अलग शरीर के अंगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और अलग अलग अंगों को रिप्रेजेंट करने के कारण जिस भी भाव का स्वामी छठे भाव में स्थित हो जाएगा, या कहें जो रोग के मुख्य भाव छठा है और रोग के जो सहायक भाव हैं वो 8वां भी है, तीसरा भी है, 12वां भी है, अगर वो इनमें उसकी उपस्थिति हो जाएगी तो शरीर का वो अंग भी कमजोर होगा, उसमें भी रोग होने की संभावना रहेगी। तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, स्थिति से तात्पर्य है रोग
देने वाले जो ग्रह हैं हमारे, उनकी जन्म कुंडली में भाव स्थिति और राशि स्थिति, और इसका विपरीत कह दूं कि जो भी हमारे कुंडली के किसी भी भाव के स्वामी यदि इन रोग कारक भावों में बैठ जाएंगे तो वो भी रोग देने वाले होंगे। तो ये पहला नियम मैंने अपनी ओर से आपको स्पष्ट किया। तो स्थिति से तात्पर्य है कि ग्रह जो है वो किस भाव में बैठा है और किस राशि में बैठा हुआ है। तो ये अब इन सूत्रों को हम अभी आगे स्टेप बाय स्टेप कुंडली में अप्लाई करेंगे। दूसरे सूत्र की मैं बात करता हूँ, युति। युति कंजक्शन इन हाउस और साइन और बिटवीन प्लैनेट। युति से तात्पर्य होता है कि दो ग्रहों का सहचर्य संबंध, मतलब जहां पर भी वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। जब हम कोई कुंडली देखते हैं तो उसमें हमें कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रह होता है, कई बार दो भी होते हैं, तीन भी हो जाते हैं, चार भी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि मैं सरल शब्दों में आपको पीछे मैंने बताया कि भाई जो छठे भाव का स्वामी है उसके पास रोग का डिपार्टमेंट होता है। अब वो जिसके भी घर में जाकर के बैठ जाएगा उसको रोग दे देगा, या रोग डिपार्टमेंट जिस छठे घर में है उसके पास कोई भी ग्रह आ जाएगा वो भी रोगी हो जाएगा वहां पर। अब दूसरी बात, दूसरे सूत्र में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोग डिपार्टमेंट छठे घर के स्वामी के पास है, उसके साथ में अगर कोई बैठ गया तो वह भी रोगी हो जाएगा, वह भी रोगग्रस्त हो जाएगा। अब जो सत्संगति या कुसंगति का जो नियम है वो बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई होता है कि जो छठे भाव का स्वामी है वो रोग देने वाला है, वो जहां जाएगा वहां रोग देगा, उसके पास कोई आएगा उसको रोग देगा। तो ये जो युति है वो इस प्रकार से अप्लाई होगी। युति में एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारा छठे भाव का स्वामी है या हमारा जो पाप ग्रह है जो जिस पर हमने चर्चा की थी, अगर वो अधिक से अधिक मिलकर के एक ही भाव में इकट्ठे हो जाएंगे तो वो रोग का बहुत प्रबल योग उस समय निर्माण करते हैं। उस समय बहुत ज्यादा प्रबल योग होता है उस समय बीमारी के दृष्टिकोण से। तो युति से तात्पर्य मेरा यही है कि जो दो ग्रह अगर आपस में बैठेंगे तो वो जो रोग देने वाला ग्रह है वो दूसरे ग्रह को पीड़ित करेगा, दूसरे ग्रह को कष्ट देगा, और वो जो ग्रह है हमारा दूसरा, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बता दूं कि जैसे हम ये मान लेते हैं कि शनि हमारा रोग देने वाला ग्रह है और वो यदि चंद्रमा के साथ में बैठ गया तो यहाँ पर जो शनि है वो चंद्रमा को पीड़ित कर देगा, चंद्रमा को रोग दे देगा। अब जो चंद्रमा है वो क्या है, वो हमारी भावनाएं हैं, वो हमारी संवेदनाएं हैं, वो हमारी मन की स्थिति है। तो वो अब उससे वो निश्चित रूप से आप देखेंगे तो जिस व्यक्ति की भी ये कुंडली होगी उसमें उसकी आपको मानसिक स्थिति जो है उस चिंता के योग मिलेगी। तो ये युति के बारे में मैंने आपको इस प्रकार से बताया, और फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं तीसरे सूत्र के ऊपर, दृष्टि ज्योतिष में बड़ी मतलब काम आती है, एस्पेक्ट ऑन हाउस और साइन और ऑन प्लेनेट। पहले मैंने बात की कि भाई रोग का डिपार्टमेंट जिस स्टेज के पास है वो जिस घर में बैठ जाएगा जाकर के उस घर को रोगी बना देगा। फिर वो उसके साथ में जो कोई बैठेगा उसको वो रोगी बना देगा। अगर तीसरा जो स्टेप है वो यही आता है कि वो जहां पर देखेगा वहां रोगी बना देगा। यानी इसको अगर आप सरल शब्दों में समझे कि अगर एक व्यक्ति बुरा है तो वो जिस घर में जाएगा वहां बुराई करेगा, जो उसके साथ में लगेगा वो उसको बुराई कर देगा उसके लिए। और अगर वो किसी के साथ में नहीं है तो वो उसका जिसके ऊपर प्रभाव होगा, मतलब वो जिसको देख रहा होगा, जिसको वो अपने नियंत्रण में कर रहा होगा, वो उसको अपने जो उसका दुष्प्रभाव है उससे वो दुष्प्रभावित करके ही मानेगा। अब उसमें वो घर भी हो सकता है, राशि भी हो सकती है, और वो ग्रह भी हो सकता है। तो ये तीन जो है हमारे मुख्य जो है वो सूत्र हैं, इनको हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें अच्छी जो सफलता है वो प्राप्त होती है। तो इन तीन नियमों को आगे हम प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई करेंगे। इसको आप एक जो हम ज्योतिष के ग्रंथों को हम जब देखते हैं ना तो वहाँ पे संबंध की बात आती है। तो संबंध जो है वो फिर कभी मतलब कभी ईश्वर ने चाहा तो कभी चर्चा होगी। ग्रहों के अपने संबंध होते हैं, लघु पाराशरी में चार संबंधों का वर्णन किया है, और उन संबंधों से तात्पर्य वो यही होता है कि
एक अच्छे ग्रह का बुरे ग्रह से जब संबंध होता है तो अच्छा ग्रह जो है कमजोर हो जाता है, अपना अच्छाई का जो बल है वो कम हो जाता है उसका, और बुरे ग्रह का प्रभाव जो है वो ले लेता है, उसमें बुराई आ जाती है। तो वो संबंध जो है किस प्रकार से बनता है, वो स्थित होने से बनता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तब बन जाता है, दोनों युति होने से बन जाता है, एक दूसरे के घर में हो तब बन जाता है। तो चलिए, अभी हमने कल भी इस स्लाइड को देखा था, आज भी मैं इस स्लाइड को जो है थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो स्लाइड हम देख रहे हैं इसमें जो छठा भाव है, देखिए छठा भाव जो है हमने सारे एरो वहां से सभी भावों में लगाए हुए हैं, यानी जो छठा भाव है आपका ये हो गया आपका रोग का मुख्य घर। इस कुंडली में यदि छठे भाव का स्वामी अगर लग्न में आएगा, पहले वाले जहाँ पर एक नंबर सिर लिखा हुआ है, तो एक राशि या एक नंबर का जो घर होता है वो हमारे सिर को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पष्ट है कि वो सिर से संबंधी बीमारी देगा, सिर से संबंधी कठिनाई उसको रहेगी। कई बार वो इंटरनल ब्रेन की समस्या होती है, कई बार वो उसके व्यवहार की समस्या होती है, तो वो जैसा ग्रह का कारकत्व होगा उसके अनुसार वो बीमारी देगा। अब उसमें अगर हमारा छठे भाव का स्वामी यदि दूसरे घर में आ जाता है जहाँ पर दो नंबर मुख लिखा हुआ है, तो वो मुख संबंधी विकार देगा, आंखें इसी भाव से देखी जाती हैं, मुख में हमारा जो दांत आदि का पार्ट होता है, जबड़ा जो होता है वो इसी से देखा जाता है, तो वहां से संबंधी वो विकृति देता है। अब जो तीसरा है, हमने यहाँ पर केवल संकेत किया है गला, तो गला है, श्वास नली आदि भी होती है वहां पर, कंधा भी होता है, हमारी भुजाएं भी होती हैं, तो वो सारा जो पार्ट होता है जब छठे भाव का स्वामी वहां बैठेगा तो इन सबको पीड़ित करेगा, कष्ट देगा यहाँ पर। तो ये समझ लीजिए कि जिसके पास रोग का डिपार्टमेंट है वो जा करके जिस जिस भी भाव से मिलेगा उस भाव से जो जो भी हमने ये 12 के 12 अंग जो है वो अपने बनाए हुए हैं, तो वो उन अंगों को हमारे पीड़ित करेगा, उनमें रोग देगा। तो मैं इसको इतना ही लूंगा संक्षेप में, क्योंकि कल भी हमने इस पर चर्चा की थी। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो मैंने केवल उसी जो सूत्र है उसका विपरीत ही बताया है केवल, और इसमें केवल इतना होता है कि हम इसको विपरीत क्रम से भी समझ सकते हैं। जहां पर हमारा ये एक नंबर लिखा हुआ है, सिर का जो भाव है, अगर इस भाव का स्वामी बीमारी के घर में यानी 6 नंबर में आ जाएगा तब भी वो बीमारी देगा। अब वो बीमारी किस चीज की देगा, एक तो ये ही समझ लीजिए कि जो सिर भाव का जो स्वामी ग्रह है वो सिर का प्रतिनिधित्व करता है, और वो यदि बीमारी के घर में आ जाएगा तो सबसे पहला योग तो यही बनेगा कि वह अपने सिर संबंधी बीमारी देगा। फिर उसके बाद जो हमारा जो छठा जो भाव है वो रोग का भी है, परंतु वो हमारा जो हमारा उदर होता है, पेट का जो हिस्सा होता है, जो थोड़ा पेट का निचला हिस्सा होता है जिसमें हमारे गुर्दे आदि भी होते हैं, आंतड़ियां आदि भी होती हैं, तो वहां तो रिप्रेजेंट करता है, तो ये वहां पर भी रोग देता है। तो इस तरीके से हम 12 के 12 भावों को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे इसी क्रम में हम कहें कि दूसरे भाव का जो स्वामी है जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, उसका स्वामी अगर यहाँ पर बैठ जाएगा तो वो फिर मुख संबंधी विकार जो है वो देगा, बीमारी देगा, और बाकी इसमें विविधता रहेगी आगे। मतलब ये तो हमने सामान्य इसको समझने के लिए बात कर रहे हैं। इस तरीके से तीसरे भाव का स्वामी होगा तो वो फिर गले आदि से संबंधी, चौथे का है तो छाती से संबंधी, पांचवा है तो पेट से संबंधी, अगर सप्तम का स्वामी छठे में चला जाएगा तब भी, तो आंतरिक जो हमारे गुप्तांग होते हैं ठीक है, पेड़ से संबंधी, और फिर जो बाह्य गुप्तांग का स्थान होता है वो, ये इस प्रकार से मतलब ये जो हमने पहला नियम जो स्थिति वाला पढ़ा उसमें हमने ये भी देखना है कि छठे भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, और फिर अन्य जो स्वामी है वो छठे में बैठे हुए हैं, वो मतलब दोनों प्रकार से वो काम करेगा। और यहाँ इस बात का भी ध्यान देंगे कि आठवां भाव भी वैसा ही फंक्शन करता है, क्योंकि ये भी रोग का सहायक है, हमने कल इस पर चर्चा की थी। और जो 12वां भाव है वो भी ऐसा काम करता है, परंतु रोग का जो मुख्य भाव होता है वो छठा ही होता है, रोग में जटिलता लाने वाला अष्टम भाव होता है, और 12वां भाव जो है वो भी हानिकारक होता है, व्ययकारक भी होता है। हॉस्पिटल में जाने का जो घर अगर देखें तो वो भी 12वां घर होता है। और जो तीसरा भाव है वो मैंने कल चर्चा की थी कि ये अगर इसकी भी इसमें सक्रियता से ये इसकी भागीदारी हो जाती है तो ये भी रोग को क्लिष्ट बना देता है। तो ये सामान्य चर्चा जो है मैं इसके बारे में अभी करता हूँ, आगे हम अगली स्लाइड पर चलते हैं।
हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल में जाने से पहले थोड़ा सा आपने जो बेसिक जो हमने कल बातें पढ़ी थी, क्योंकि ये हमारा जो ये जो चर्चा है हमारी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई ये बहुत मतलब उच्च स्तर की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमने मतलब स्टार्टिंग के हिसाब से इसको बनाया है उसी अनुसार, ताकि एक सिस्टमेटिक तरीके से ही काम हो सके। हमारे सामने ये जो कुंडली बनी हुई है, जो जानते हैं देखो ज्योतिष को, उनके लिए तो ये सरल है, परंतु जिनका ज्योतिष से अधिक परिचय नहीं है, तो और हमने कल नियमों को पढ़ा था, तो इसमें आप देखिए कि जो सबसे पहला जो घर है, यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 9 नंबर जो है, हमने कल राशिपति पढ़े थे, 9 नंबर का जो राशि है, 9 नंबर की, उसका जो स्वामी होता है वो बृहस्पति ग्रह होता है। तो इस कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह है वो बैठा हुआ है 5वें घर में, 1 नंबर की राशि में। तो लग्न का स्वामी जो है इस कुंडली के अंदर 5वें घर में आया हुआ है। हमें थोड़ा इस तरीके से बेसिक को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो फिर हम दूसरे घर पे चलते हैं। यहाँ पर जो दूसरा घर है वहां पर शुक्र बैठा हुआ है और वहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है। जो 10 नंबर होता है उसका जो स्वामी ग्रह होता है वो शनि होता है। और अगर आप शनि को देखेंगे, शनि कहाँ बैठा हुआ है, तो शनि 7 नंबर में 11वें घर में बैठा हुआ है। यानी दूसरे घर का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, 11वें घर में। तो अब अगर हम तीसरा तीसरा भाव लें, तो तीसरे भाव का स्वामी भी शनि है यहाँ पर, और वो दोबारा से देखें तो वही 11वें घर में है। तो ये हम सामान्य कि कौन सा ग्रह का स्वामी कहाँ बैठा है, इसके बारे में थोड़ी बात कर रहे हैं। जब हम चौथे घर की बात करेंगे, चौथे घर का स्वामी गुना बृहस्पति होता है, वो पंचम में बैठा हुआ है। तो ये चतुर्थ भाव को भी आप एक बार क्रॉस करें, इसको भी राउंड करें, और फिर हम आगे पांचवें भाव की ओर आते हैं। तो देखिए अभी जो पांचवा भाव है वहां पे बृहस्पति बैठे हुए हैं, और पांचवें के जो स्वामी है मंगल, 5 नंबर पर जो है 1 नंबर की राशि है। इससे हमें ये पता लगता है कि 1 नंबर जो है राशि 5वें घर में है, उसका स्वामी मंगल है, और मंगल नवम भाव में बैठे हुए हैं, और 5 नंबर की राशि सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो अब हम आते हैं छठे भाव पर। यहाँ जो हमारा भाव है वहां पर केतु बैठा हुआ है, तो हमने इस पे हमें कंसंट्रेट करना है। ये मतलब मुख्य बात जो है वो ये है। अगर हम इसके स्वामी की बात करें तो वो बैठ गया है हमारे दूसरे घर में जा करके, शुक्र, क्योंकि 2 नंबर की राशि वृष है और उसका स्वामी शुक्र है, और वो हमारे दूसरे घर में जाकर के बैठा हुआ है। तो अगर हम इस कुंडली में अपना पहला जो नियम है वो अगर हम लागू करें, छठे भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है दूसरे नंबर पर। अब दूसरा नंबर जो है वो मुख का विकार देता है। तो इसमें हम मोटी मोटी सी बात अगर इस पहले सूत्र के आधार पर पकड़ेंगे, तो हम यही कहेंगे कि इनको मुख संबंधी बीमारी होगी, पहली बात हम ये कहेंगे। और फिर छठे घर में दूसरा ग्रह कौन सा बैठा है, केतु बैठा हुआ है, तो केतु भी यहाँ पर बीमारी देगा। तो 2 ग्रह यहाँ पर मुख्य है बीमारी देने वाले, केवल पहले सूत्र के आधार पर बन जाते हैं। छठा भाव हमारे दूसरे घर में बैठ गया, तो हम इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बना सकते हैं कि हम मतलब एक अलग से एक टेबल बना करके इसको निर्माण कर सकते हैं कि षष्ठेश कहाँ पर बैठा है, 10 नंबर की राशि में और दूसरे घर में, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, जो दूसरा घर है वो हमारे मुख को रिप्रेजेंट करता है, और फिर हमारी जो राशि है 10 नंबर की राशि, वो राशि किस भाव किस हमारे शरीर के अंग को रिप्रेजेंट करती है, तो वो राशि हमारे घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हम एक सामान्य सा नियम वहां पर लिख लेंगे कि जो रोग किस दो अंगों में है। फिर आगे जब हम चलते हैं, फिर हम केतु को भी नोट करेंगे कि जो केतु है वो भी रोगदायक है यहाँ पर, तो वो रोग देगा। अब वो कहाँ पर रोग देगा, तो हम सबसे पहले तो यही देखेंगे कि वो 2 नंबर की राशि में है। अब जो 2 नंबर की राशि है वो वृष राशि है, और वृष राशि भी मुख की राशि होती है। अब देखिए जो छठे भाव का स्वामी है वो भी मुख में रोग दे रहा है, और जो छठे घर में बैठा हुआ ग्रह केतु है वृष राशि में, वो भी मुख में रोग दे रहा है। तो पहले में मुख आया, दूसरे में मुख आया, यानी ये पॉसिबिलिटी डबल हो गई। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस भाव में है, तो केतु छठे भाव में है, तो हमारा ये पेट का निम्न भाग है, तो ये केतु मतलब वहां पर रोक देगा। तो अभी हम केवल ये बात कर रहे हैं कि भी कौन सा ग्रह यहाँ पर रोक देगा, उसकी बात हम कर रहे हैं। फिर आगे चले हम, तो
सप्तम है, सप्तम का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है, जहां पर चंद्रमा बैठा हुआ उसका स्वामी ग्रह जो है वो बुध है, 3 नंबर, और उसका जो ग्रह है वो हमारा बुध वहां पर लग्न में बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद अष्टम भाव जो है वहां पर 4 नंबर की राशि है, उसका जो स्वामी है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ये हम अभी सामान्य अभ्यास, जो 5 नंबर नवम भाव में जो 5 नंबर की राशि है उसका स्वामी सूर्य जो है वो लग्न में है, और 6 नंबर जो बुध है जहाँ पर 6 नंबर है यानी दशम भाव, उसका स्वामी जो है हमारे वो लग्न में है। और फिर उसके बाद जो एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं, अब शनि को देखें हम, शनि जो है वो हमारा इसमें 11वें भाव में शनि है, वहां पर राशि अगर हम देखें तो राशि वहां पर आती है हमारे शुक्र ग्रह की राशि। शुक्र ग्रह की 2 राशियां होती हैं, 2 और 7। अब जो एकादश भाव का स्वामी है वो हमारे किस भाव में बैठ गया, दूसरे भाव में चला गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचार करने वाली बात यह है कि हमने जब कल चर्चा की थी कि कौन कौन से भाव पति रोग देते हैं और कौन उनमें वृद्धि करते हैं, छठा भाव मुख्य रोगदायक हो गया, परंतु छठे से छठा जो 11वां है वह भी रोग की वृद्धि करने वाला होता है। तो अब यहाँ पर शुक्र जो है उसके पास रोग देने की जो सामर्थ्य है वो ज्यादा है, और वो हमारा दूसरे भाव में आकर के बैठा हुआ है। अब मतलब ये जो कुंडली है, देखिए इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं कि हम जो चर्चा कर रहे थे कि जो शुक्र है वो छठे भाव का स्वामी है यानी रोग भाव का स्वामी है, और उसके बाद ये 11वें भाव का स्वामी है जो कि रोग में सहायक है, अगर आपने कल ध्यान दिया हो। और फिर उसके बाद जब हम विचार करते हैं इसमें शुक्र जो है दूसरे भाव में बैठा हुआ है, दूसरा भाव जो है वो मारक भाव है। तो ये सारी बातें जो है ये बता रही हैं कि जब भी इस व्यक्ति के ऊपर शुक्र की महादशा चलेगी तो ये लंबी बीमारी से ये रोगग्रस्त हो जाएगा। मतलब जब कई नियम जब आपस में मिल जाते हैं और एक ही बात को कहते हैं तो मतलब वो निश्चित, मतलब वो चीजें होती है वहां पर, मतलब निश्चित रूप से वहां पर होती है। अब हमने इतना विचार अवश्य करना होता है कि जब भी हम रोग का निर्धारण करते हैं तो व्यक्ति की थोड़ा आयु का ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस आयु का व्यक्ति है। अगर मान लीजिए शुक्र की दशा अंतिम अवस्था में आ रही हो, तो अंतिम अवस्था में आप मानते हैं कि आज के समय में ऐसा है कि 45 के बाद जो है जो रोग हैं वो बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं 40-45 के बाद, और अगर पहले की अवस्था में आता है तो उस समय व्यक्ति नव यौवन में होता है, उसका शरीर मजबूत होता है, तो और भी मतलब कई सारी चीजें इसमें काम करती हैं। परंतु हम निश्चित रूप से उसको ये कहेंगे कि अगर उसकी महादशा आती है शुक्र की, तो निश्चित ही जो है वो लंबी बीमारी से, देर तक चलने वाली बीमारी से वो पीड़ित रहेगा, ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं। और ये बात आपको मतलब मिलेगी उसके अंदर। तो अभी हम आगे इसमें जो चर्चा है वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार हमें पिछली स्लाइड पे ही आना चाहिए। एक बार भाई साहब आप इसको पिछली स्लाइड पर ही ले आएंगे तो हाँ ये ठीक है। ये इससे नहीं, इससे पहले ही, इसके बाद वाली जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे उसी स्लाइड पर एक बार आप ले आए तो वो बात वहां पे पूरी हो जाएगी। नहीं, इस बात वाली जो स्लाइड है जिस पे हम लास्ट में डिस्कशन कर रहे थे, अप्लाई कर रहे थे, जिस पे कुंडली बनी हुई है। हाँ ठीक। तो अभी हम केवल पहला ही सूत्र लगा रहे हैं, और मतलब पहले सूत्र ही हमें मतलब कई बातों को स्पष्ट कर देता है। तो इसमें उसके बाद जो 12वें भाव का स्वामी है वो मंगल है, और मंगल हमारा जो है वो नवम भाव में बैठा हुआ है। तो ये मतलब पहला सूत्र जो है वो मैंने जो हमारा इस प्रकार से मैंने अप्लाई किया। ठीक है, जो दूसरा जो हमारा जो सूत्र है यहाँ पर वो है युति। युति से तात्पर्य हम जहाँ पर 2 ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर एक जो अच्छी बात है वो ये है कि शुक्र मेन बीमारी देने वाला ग्रह बन रहा है, परंतु उसके साथ युति नहीं है किसी भी ग्रह की, तो इसलिए युति वाला जो है यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। केवल शुक्र के संदर्भ में अगर हम बात करें, यहाँ पर कुंडली में अगर हम 2 ग्रहों को इकट्ठा बैठा हुआ देख रहे हैं तो वो सूर्य और बुध को देख रहे हैं। तो सूर्य जो है यहाँ पंचम भाव का स्वामी है, और बुध जो है यहाँ पर सप्तम और दशम इन 2 भावों का स्वामी है। तो हमारा जो लग्न होता है, और ये अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य तो यहाँ पर अच्छी स्थिति में है, क्योंकि एक तो ये भाग्य भाव का स्वामी है, और दूसरा फिर मित्र राशि में बैठा हुआ है, और फिर बृहस्पति जो है इसको देख रहा है यहाँ पर।
खैर ये मतलब थोड़ा अलग बात है, पर मतलब मैं ये कहूंगा कि जो हमारी युति है यहाँ पर वो एक मतलब वो शुभ ग्रहों में है, इसको राजयोग माना जाता है पराशरी ज्योतिष के अनुसार। तो युति इस कुंडली के अंदर कहीं पर भी नहीं है, तो युति वाला जो नियम है वो यहाँ पर रोग के संदर्भ में नहीं लगेगा। इसके पश्चात हम जो बातचीत करते हैं तीसरे नियम के बारे में, दृष्टि के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर दृष्टि अगर देखें तो शुक्र की दृष्टि हमने जो सामान्य बात की थी, तो शुक्र जो है वो सातवें घर में देखता है जैसा हमने बात किया था। तो शुक्र यहाँ पर 10 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। इसके बिल्कुल सामने अगर आप एरो बनाएंगे तो ये जो 4 नंबर है चंद्रमा और मंगल के बीच में, यहाँ पर इसका एस्पेक्ट जो है वो आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब प्रभाव जो है वो पड़ेगा अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव जो है वो कहीं ना कहीं आयु के लिए हानिकारक, आयु का भाव होता है। और एक चीज हमें जो ध्यान देने वाली है कि जो अष्टम भाव होता है हमारा, मतलब वो थोड़ा मृत्यु को भी लक्षित करता है। तो शुक्र यानी रोग भाव का स्वामी मृत्यु भाव को देख रहा है, यानी इस कुंडली में ये हम एक विचार रख सकते हैं कि रोग का कारण, जैसे अलग अलग कारणों से जो है वो व्यक्ति की मृत्यु होती है, कोई एक्सीडेंटली एक्सपायर हो जाते हैं और कोई बीमारी से मरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कारण नहीं पता लगता। परंतु अगर इसमें हम कारण भी ढूंढें तो उसका कारण का एक मतलब हमारे पास एक बिंदु है कि जो शुक्र छठे घर का स्वामी है, जो इतनी मतलब इस कुंडली में बीमारी दे रहा है, उसकी दृष्टि पड़ रही जो है आयु के स्थान पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बीमारी इसी बीमारी के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो, मतलब ऐसा इसमें संकेत है। अब उसको तब तक नहीं भली भांति कहा जा सकता जब तक उस व्यक्ति की दशाओं को ना आकलन कर लिया जाए, दशाओं को ना देख लिया जाए। तो अब हम दृष्टि की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली में मुख्य शुक्र है जो रोग दे, केतु है, शुक्र की दृष्टि केतु की दृष्टि को भी देखना चाहिए यहाँ पर, देख पड़े को भी केतु की हम जो दृष्टि लेते हैं, वैसे तो अनेक दृष्टियां इसकी कही गई हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। और अगर हम केतु की दृष्टि को देखें तो केतु की दृष्टि जो है वो शुक्र के ऊपर पड़ती है। केतु और राहु ये मतलब वक्र गति से चलते हैं, तो केतु को अगर आप देखेंगे तो अभी ये 2 नंबर में बैठे हैं। तो 2 से अगर हम घड़ी की दिशा की तरफ जाएंगे, 1, 12, 11, 10, तो ये शुक्र के ऊपर अपना प्रभाव जो है वो डाल रहे हैं। तो रोगदायक ग्रहों का जो संबंध है वो आपस में बना हुआ है, यानी जो केतु है वो शुक्र को देख रहे हैं। और ध्यान दीजिए, केतु दूसरे घर को भी देख रहे हैं, दूसरा घर जो है वो मुख का है, केतु शुक्र रोगदायक ग्रह को भी देख रहे हैं, यानी रोग को भी वो रोगेश को भी वो प्रभावित कर रहे हैं। तो मतलब इस कुंडली के अंदर सबसे जो अगर ज्यादा जो ग्रह बात की जाए कि वो रोग देने वाले होंगे और वो निश्चित ही रोग देने वाले होंगे, तो वो इसमें केतु और शुक्र बनेंगे हमारे। तो ये सामान्य मैंने चर्चा जो है इसके ऊपर की। एक कुंडली और हम आगे थोड़ा सा उसके ऊपर हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे ये कुंडली है हमारे पास, इस कुंडली में ये 7 नंबर से प्रारंभ होती है। 7 नंबर का मतलब होता है हमारा तुला लग्न। तुला लग्न का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह होता है। इस कुंडली में अगर हम देखें शुक्र ग्रह जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, तो वो हम देखेंगे 2 नंबर पे बैठा हुआ है, और शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में है। यहाँ से अगर आप 7 नंबर से एक एरो बनाएं, अगर 7 नंबर से यानी लग्न से एक आप एरो बनाएं शुक्र तक, तो उससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा जो ये शुक्र है लग्न का जो स्वामी है, यानी स्वास्थ्य को जो देने वाला ग्रह है, वो हमारा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति का स्वास्थ्य में कमजोरी रहेगी, क्योंकि जो लग्न है वो हमारी इम्यूनिटी को दर्शाता है, हमारे ओवरऑल जो हमारा स्वास्थ्य है वो कैसा रहेगा उसको ये दर्शाता है। तो सप्तम राशि उसका स्वामी शुक्र यहाँ पर जो है वो बैठ गया है अष्टम भाव में, पर एक शुभता इसके अंदर अवश्य है कि ये अपनी राशि में बैठा हुआ है, परंतु फिर भी अष्टम भाव में बैठने से ग्रह कमजोर हो जाता है। तो कमजोरी भी है परंतु राशिवश जो है वो स्थिर है, वो स्टेबल है, तो ये इसमें एक अच्छा अच्छा बिंदु है। भाव के अनुसार जो है इसको हम कमजोर कहेंगे, राशि के अनुसार हम इसको ठीक कहेंगे।
अब हम केवल रोग के संदर्भ में यहाँ बात करेंगे। पहली वाली जो बात हम देख रहे थे छठे भाव का स्वामी, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जो छठा भाव है हमारा, यहाँ पर 12 नंबर की राशि है और इस 12 नंबर की राशि का स्वामी ग्रह होता है बृहस्पति। बृहस्पति जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं 10 नंबर की राशि में, तो 10 नंबर की राशि जो है हमारे चौथे घर में पड़ी हुई है। अब चौथा घर जो है हमारी छाती को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर आने वाले अंगों को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रथम दृष्टि से हमें ये संकेत यहाँ पर मिलता है कि जिस भी व्यक्ति की ये कुंडली होगी उसको छाती से संबंधी रोग का योग जो है वो बनेगा। ये इसमें बातें मैंने केवल पहले नियम के आधार पर बताने का प्रयास किया, क्योंकि जो हमारा छठे भाव का स्वामी है रोगदायक, वो बैठ गया चौथे घर में जा करके, तो चौथे घर जो जिस भी अंग को छाती को हमारे रिप्रेजेंट करता है तो ये वहां पर रोग देगा। और फिर उसके बाद हमने जो दूसरा नियम हमने पढ़ा था वो ये था कि वो जिन ग्रहों के साथ में बैठा होगा वो उन ग्रहों को भी रोगी करेगा। अब इस कुंडली में जो गुरु है वो शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो शनि यहाँ पर दोबारा से चौथे घर का स्वामी है और पांचवें घर का स्वामी है, तो छाती और पेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई गुरु के पास बीमारी है, अब गुरु ने वो बीमारी चौथे घर में दे दी, चौथे घर यानी छाती, और गुरु ने वही बीमारी अपने साथ में बैठे हुए शनि को दे दी और मंगल को भी दे दी। अब मंगल जो है वो दूसरे घर का स्वामी है और मंगल जो है वो सातवें घर का स्वामी है, तो इसमें मल्टीपल बीमारी का योग रहेगा। अब कल एक बहुत अच्छा प्रश्न किया गया था, आदरणीय नाम तो नहीं मुझे उनका ध्यान है, उन्होंने ग्रह स्पष्ट की बात की थी, तो मैं उनसे मतलब इस निवेदन करूंगा कि वो जो ग्रह स्पष्ट वाली बात है वो यहाँ पर अप्लाई होगी। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो बृहस्पति है वो अंशात्मक युति किसके साथ कर रहा है, शनि के साथ कर रहा है या वो मंगल के साथ युति कर रहा है। और मैं उन आदरणीय से एक निवेदन और करूंगा, मतलब उन्होंने जो बात की वो मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, सामान्य ज्योतिषी भी उन चीजों को नहीं जानता। इसमें हमें ये देखना होगा कि मंगल जो है उसकी गति बृहस्पति से और बृहस्पति की गति जो है शनि से ये ज्यादा होती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या मंगल और शनि, मंगल आगे जा चुका है या फिर शनि आगे है बृहस्पति से। अगर मंगल आगे जा चुका है तो मंगल तो बच गया, फिर मंगल को वो पीड़ा नहीं दे पाएगा, उतनी नहीं देगा। अगर शनि आगे है और बृहस्पति पीछे है तो यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो गति है बृहस्पति की जो है वो शनि से ज्यादा होती है, यानी बृहस्पति शनि की ओर जाएगा, तो बृहस्पति जो है वो रोग जो है वो ज्यादा देगा शनि को। और मंगल यदि इनसे अंशात्मक दृष्टि से आगे है तो मंगल का बचाव हो जाएगा, तो वो जो सूक्ष्म दृष्टि है वो यहाँ पर विचार उसका किया जाता है। तो ये इस सिस्टमेटिक तरीके से मतलब हम करते हैं तो हमें परिणाम जो है वो अच्छे मिलते हैं, संतुष्टिप्रद परिणाम मिलते हैं। तो ये यहाँ पर पिछली कुंडली में युति की बात नहीं आई थी, यहाँ पर युति की बात आई है और इसलिए मैंने आपसे ये युति के बारे में बात की। और मैंने कल आपने जो बात कही थी तो उसको भी मतलब मैंने अपनी बुद्धि से कि कैसे हम उसको देखना चाहिए, ये मैंने अपने मति अनुसार अपनी बुद्धि अनुसार जो है वो आपको बताया। तो शास्त्रों में भी कहीं ना कहीं उसका वर्णन मिलता है, सूर्य सिद्धांत के अंदर इस युति का वर्णन जो है वो मिलता है वहां पर। तो उन्होंने एक तो गत युति जो है वो बताई है वहां पर, और एक एक भाई भावी, भावी शब्द का एग्जैक्टली प्रयोग नहीं है वहां पर गत युति का है, गत मतलब पास्ट बीती हुई। तो मंगल अगर यहाँ पर गुरु से आगे निकल जाता है तो वो मतलब गत युति में माना जाएगा कि भाई उनकी पहले युति हो चुकी है, और भावी वो होगी जब मंगल के अंश कम होंगे बृहस्पति के ज्यादा होंगे। तो खैर ये चलो चर्चा थोड़ी अलग है और थोड़ा सा मतलब इस चर्चा का स्तर थोड़ा ऊपर है, इसलिए इस पर इतनी ही बात करेंगे। अब हम नेक्स्ट कुंडली पर जो है वो बात करते हैं। ये तो हमने सामान्य समझने के लिए कि हमने कैसे इसको देखना है, अब प्रैक्टिकली मैं दो कुंडलियों को जो है मैंने लिया है और मैं थोड़ा संक्षेप में ही उस पर चर्चा करूंगा। तो मैं निवेदन है कि आप अगली स्लाइड को खोलें ताकि उस पर हम बात कर सकें। दिखाई दे देखिए रही ये है जो सर? कुंडली है, हाँ जी ठीक है। जी जी बिल्कुल धन्यवाद। देखिए ये जो कुंडली है, वैसे तो हमें क्या होता है कि कुंडली के हर भाव को बारीकी से पढ़ना होता है, 12 के 12 भावों को। आप 12 भावों का एक टेबल बनाएं, उसके बाद आप राशियों का भी जो है वो टेबल बनाएं, और फिर आप ग्रहों का भी टेबल बनाएं।
मतलब जिस तरीके से हम एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, तो वो हमें इस तरीके से प्रारंभ में करना होता है, ताकि हम उस पर एक निष्कर्ष भी निकाल सकें, उसके आंकड़े भी एकत्रित कर सकें, और हमें ये पता लग सके कि भी कौन सा सूत्र कितना काम करता है। तो मैं केवल अपने जो हमने तीन सूत्र पढ़े हैं, मैं केवल उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अंदर हम लग्न पे आते हैं। हमारा लग्न का जो भाव है वो वहाँ पर जो है 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर की जो राशि होती है वो सिंह राशि है, और सिंह सिंह राशि को अच्छी राशि माना जाता है। यदि कुंडली में इस राशि का स्वामी अच्छे स्थिति में होता है, तो व्यक्ति आमतौर पर अपने जीवन में स्वस्थ रहेगा, ये ऐसा कहा जाता है। अगर हम इस कुंडली में देखें, 5 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि अग्नि तत्व की राशि होती है, तो 5 नंबर की राशि का स्वामी सूर्य होता है, वो भी अग्नि तत्व का ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनमें अग्नि तत्व प्रधान होते हैं, ऐसा कहेंगे। आप देखिए, 5 नंबर की राशि का स्वामी सूर्य जो है वो पांचवें घर में है, तो पांचवा घर अच्छा माना जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पांचवें घर को अच्छा माना जाता है। अगर ये इस घर का स्वामी जो है, लग्न का स्वामी, अगर छठे में बैठ जाए तो खराब होता है, आठवें में बैठ जाए तो खराब होता है, 12वें में बैठ जाए तो खराब होता है, और फिर उनमें वो खराब राशियों में बैठ जाए जो उसके अनुकूल ना हो, तो उनमें भी वो खराब होता है। तो हम एक जैसे सामान्य स्वास्थ्य देखते हैं, तो हम वो हमने सूर्य से देख लिया। फिर मानसिक स्वास्थ्य अगर देखना हो तो वो हम चंद्रमा से देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रत्येक ग्रह का भी हमें देखना चाहिए। पर अब मैं क्या करूंगा कि अपने हमारे जो सूत्र हैं, मैं उनको अप्लाई करूंगा यहाँ पर। जो हमने सबसे पहला सूत्र पढ़ा, सबसे पहला हमारा सूत्र है स्थिति वाला। तो हमारा जो लग्न का स्वामी है वो तो ठीक स्थिति में है। अब जो यहाँ पर छठा घर है हमारा, जो बीमारी का है, रोग का है, 10 नंबर की राशि यहाँ पर है। तो हमें 10 नंबर की राशि को देखना होगा कि जो 10 नंबर की राशि है उसका जो स्वामी है वो कौन है। उसका स्वामी होता है शनि। शनि को अगर हम देखेंगे तो शनि 6 नंबर में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में। अब जो दूसरा भाव है वो मुख का है, यानी मुख संबंधी विकार, मुख संबंधी बीमारी। ठीक है, तो ये चीज इसमें प्रथम दृष्टि से आप उसे कहेंगे। अब दूसरा देखिए कि राशि के अनुसार जो कन्या राशि है वो हमारे छठे भाव में, जो छठा भाव जो हमारा होता है ये उसी को रिप्रेजेंट करती है, यानी पेट का निम्न भाग हो गया। तो यानी अगर हम कहें कि शनि जो है वो किस तरीके की रोग, किस तरीके की बीमारी यहाँ पर देगा, तो अपनी स्थिति से वो भाव यानी मुख को रिप्रेजेंट करता है, और राशि से जो है वो पेट के निम्न हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो हमारे बिंदु हो गए, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ बीमारी देगा। अच्छा, दूसरी बात फिर हम ये देखते हैं कि इसकी युति देख लेते हैं, मतलब हम तीनों नियमों को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब जो शनि है उसकी जो दृष्टि है वो यहाँ पर 1 2 3, 3 7 और 10, ये मुख्य दृष्टियां जो है वो शनि की होती हैं, जो हमने कल जिनके बारे में पढ़ा था। तो तीसरी दृष्टि जो है ये 8 नंबर वाले भाव पर आएगी। तो 8वां भाव जो है वो छाती का होता है। 7वां जो दृष्टि पड़ेगी वो 12 नंबर पर आएगी, अष्टम भाव पर आएगी। और फिर उसके बाद जो 11वीं दृष्टि है वो यहाँ पर आएगी, इसमें एकादश भाव पर, दशम दशम दृष्टि जो है वो उसकी एकादश भाव पर आएगी। तो दृष्टि के अगर हम देखें बैठने के अनुसार ये कहाँ रोक देगा, तो ये दूसरे घर में रोक देगा। और दृष्टि को तो अगर देखें तो चौथा भाव, 8वां भाव और 11वां भाव, इन भावों से जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, जैसे चौथा छाती का हो गया, या 8वां जो हमारे जो गुप्त अंग होते हैं बाह्य, उनका होता है, और 11वां भाव जो है हमारा घुटने के नीचे होता है। फिर हम इनमें इन राशियों को भी दे सकते हैं। तो इसके बाद हम युति युति जो हमने एक देखना है इसमें, यहाँ पर जो शनि की युति है वो बृहस्पति के साथ है। इस कुंडली में युति हो रही है, कंजक्शन हो रहा है। शनि का किसके साथ हो रहा है, बृहस्पति के साथ। अब बृहस्पति जो है वो 5वें घर का स्वामी है, और बृहस्पति जो है वो 12वें घर का स्वामी है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा कि 12वें घर जो का होता है कष्ट, और छठे छठा भाव होता है रोग का। तो यानी रोग का घर, योग का ग्रह भी हमारा जो है दूसरे में चला गया, और कष्ट का जो ग्रह है वो भी हमारा जो है इसमें 6 नंबर की राशि में दूसरे भाव में चला गया। तो इसमें हम ये जो है फलादेश जो है वो करेंगे इसमें, ये फलादेश जो हम करेंगे इसमें, कि जो जब भी
रोग का योग बनेगा, तो वो मुख संबंधी बनेगा और पेट का निम्न हिस्से संबंधी बनेगा। और दूसरा फिर इसमें यह है कि जो हम ये देखते हैं कि वही छठे घर में कौन ग्रह बैठा, तो वो मंगल ग्रह बैठा हुआ है। मंगल ग्रह चौथे का स्वामी है यहाँ पर और नवम का स्वामी है। हमने ये देखना है कि कितने हमारे ग्रह, ये कितने हमारे भाव, कितनी हमारी राशियां नेगेटिव पॉइंट में आ रही हैं। तो वो जितनी अधिक आएंगी उसमें उतना ज्यादा प्रबल योग रोग का बनेगा। तो इसमें देखिए, जो छठा घर है हमारा ना, वो हमारा वही पेट से नीचे का भाव हो गया। यहाँ पर मंगल भी है और केतु भी है, तो इसलिए ये पेट से नीचे वाला भाव यहाँ पर भी कमजोर हो गया। फिर इस राशि का जो स्वामी है वो भी दोबारा उस राशि में बैठ गया जो कि पेट से निम्न वाला भाग है। तो यानी ये यहाँ छठे भाव के हिसाब से भी हम देख सकते हैं उसको, और जो छठे भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा वो राशि भी। तो इसलिए जो रोग का जो केंद्र बिंदु है वो पेट का निम्न भाग इसमें बनेगा। तो इस प्रकार से हम इसमें ना रोग का निर्धारण कर सकते हैं, और फिर ये ध्यान देंगे कि ये रोग होगा कब, उसके लिए फिर हम दशाओं के ऊपर जो है वो चलेंगे। तो दशाओं में हमने यही देखना है कि छठे भाव का स्वामी जो कि रोग का निर्धारण करता है कि यहाँ पर रोग होगा, उस रोगकारी ग्रह की जब महादशा आएगी, उस रोगकारी ग्रह की जब अंतरदशा आएगी, तो वो रोग देगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब भी तो शनि की महादशा होगी तो उस समय मतलब वो रोग जो है अपना देता है उस समय, और वो इस प्रकार से उसका विचार करते हैं। और जो बृहस्पति है वो भी रोग में सहायता करेगा, यानी शनि और बृहस्पति दोनों ही यहाँ पर रोग के मामले में जो परिणाम है वो देंगे। नेक्स्ट कुंडली के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं जो कल हमसे मतलब जैसे बात हुई थी। देखिए ये कुंडली यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं जो कल आदरणीय अनिल जी ने प्रश्न किया था। तो ये कुंडली जो है, इस कुंडली को हम देखें तो हमने जो नियम पढ़े थे, सबसे पहला नियम उसमें ये था कि जो रोग भाव है आपका ना, रोग भाव वो है हमारा छठा। तो सबसे पहला नियम हम यहाँ पर लगाते हैं, तो छठा भाव जो है उसका स्वामी जो है यहाँ पर शनि बनता है, और शनि जो है यहाँ पर स्थित है दूसरे भाव में, 7 नंबर की राशि में। देखिए आप शनि को जो है वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर आप भाव और उसको राशि को जो है वो देख लीजिए कि किस भाव में है वो, किस राशि में है। तो भाव के अनुसार हमारा ये मुख का भाव है, और राशि के अनुसार जो तुला राशि है वो हमारी पेट के निम्न हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, जो पेड़ू वाला हिस्सा होता है, आंतरिक जो जननांग आदि होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम नियम हमने इसमें जो लागू किया वो हमारा इस प्रकार से बनता है। तो इसमें मैं आगे कहना चाहता हूँ, जिसके बारे में हमने ज्यादा चर्चा नहीं की समय की व्यवस्था के कारण, कि हर ग्रह जो है वो अपनी उच्च राशि या नीच राशि या मित्र राशि, स्वगृही राशि, इनसे भी थोड़ा थोड़ा वो प्रभावित होता है। तो शनि की जब हम देखते हैं तो वो शनि यहाँ पर तुला राशि में बनता है, तो तुला राशि में शनि जो है वो उच्च होता है। तो जब शनि राशि बस जो है अपना उच्च हो जाएगा तो वो रोग जो है वो देगा, पर उतनी बुराई जो है वो नहीं करेगा। अगर हम दूसरे भाव से संबंधी बात करेंगे या हम तुला राशि से संबंधी बात करेंगे, तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ये कुछ अपवाद होते हैं। और जब हम सामान्य नियमों को जब हम लागू करते हैं तो फिर वहां पर जब अपवाद आते हैं फिर हमें पता लगता है कि भाई यहाँ पर ये वाला रूल उस हिसाब से काम नहीं करेगा। अगर शनि यहाँ पर नीच राशि में चले जाते, शनि यहाँ पर किसी शत्रु राशि में चले जाते तो फिर वहां पर वो देते, मतलब ये प्रभाव को ज्यादा या कम करते हैं। तो इसमें जो दूसरी बात मैं विचारणीय जो है वो ये है कि इस कुंडली के अंदर हम ये देखते हैं कि 2000 से लेकर के 2025 तक शुक्र की महादशा चल रही है इस कुंडली के अंदर, जो हमने कल देखा था, जिसके ऊपर हमने थोड़ी की बात की थी। अब इस कुंडली के अंदर जो शुक्र है वो छठे घर में बैठे हुए हैं, छठा घर यानी बीमारी का घर। तो इस कुंडली के अंदर हम ये देखेंगे कि शुक्र की दशा 2000 से चल रही है और 2025 तक
2000 नहीं 2005 से चल रही है, 20 वर्ष की दशा होती है, तो 2005 से 2025 तक। तो शुक्र की महादशा भी चल रही है और शुक्र जो है वो रोग के घर में बैठा हुआ है। तो यानी प्रथम दृष्टि में हम कह सकते हैं समय के अनुसार कि भाई शुक्र की दशा में इनको रोग होगा। दूसरी बात, इनकी कुंडली में हम लग्न के स्वामी का विचार करें तो इनकी कुंडली में जो लग्न है वो 6 नंबर का है, और 6 नंबर का जो हमारा ये लग्न है उसका स्वामी बनता है बुध, और बुध ग्रह द्वारा यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये अष्टम भाव में बुध जो है वो मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो राशि के अनुसार जो है ये कमजोर है। तो हमारे पास देखिए दो बातें हैं मुख्य करने के लिए, जो हमने जो बातें की थी उसमें राशि स्थिति, भाव स्थिति। अब इस कुंडली में जो ये बुध ग्रह की दशा चली है ये 2021 में प्रारंभ हुई है इनकी, और ये 2024 तक चल रही है इनकी दशा। ये तो शुक्र समय है, इसका मतलब एक दृष्टि में ये निकलता है कि भाई शुक्र जो है इनके स्वास्थ्य में कमी लाएगा, शुक्र जो है वो इनको रोगी बनाएगा, ये बात हम कह सकते हैं। परंतु शुक्र की दशा जो है वो 20 वर्ष होती है। अब 20 वर्ष जो है वो एक जैसा प्रभाव जो है वो नहीं देगा कि भाई वो 20 वर्ष ही एक जैसा कष्ट जो है वो दे। तो ग्रहों को अपना फल देने के लिए अपने किसी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक ग्रह की जब महादशा चलती है 20 वर्ष की, तो उस ग्रह की अपनी अंतरदशा भी होती है, और उस ग्रह की अंतरदशा में 9 के 9 ग्रहों का रोल होता है। कोई 6 महीने का होता है, कोई 1 साल का होता है, कोई 2-3 साल तक होता है, इस प्रकार से इनका प्रभाव होता है। तो वर्तमान में जैसे इनकी जो दशा है अभी वो बुध ग्रह की है, एक शुक्र की पहले चल रही है जो कि साक्षात रोग के घर में बैठा हुआ है, और दूसरी बात यह है कि शुक्र जो है वो कहाँ का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी भी है और दूसरे भाव का स्वामी भी है। तो दूसरा भाव जो है वो थोड़ा मारक दोष अपने में रखता है, तो रोगदायक भी है शुक्र और थोड़ा मारक दोष भी है, परंतु भाग्य भाव का स्वामी भी है। भाग्य भाव से के स्वामी होने से वो कुछ ना कुछ बचाव भी जो है वो करता है, तो दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। फिर जब हम बुध की बात देखेंगे तो बुध ग्रह जो है यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और रोग के जब हम विचार करते हैं रोग के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो अष्टम भाव का भी रोल होता है। तो अष्टम भाव में बुध होने से स्वास्थ्य को अपनी दशा में ये कमजोर करेगा। तो हमारी जो कल बात हुई थी वो यही हुई थी कि जो ग्रह रोगदायक हैं वो अपनी दशा अवधि में उस कार्य को करते हैं। तो जैसा जानकारी से बातचीत से पता लगा कि शुक्र की महादशा में और बुध की अंतर्दशा में उनको रोग से पीड़ित हुए और वो कष्ट अभी वर्तमान में है। तो ये सामान्य दशा की बात जो है वो हमने की। तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा जिसको अभी तक हमने लिया नहीं है। जब हम ये देखते हैं कि व्यक्ति की महादशा अंतरदशा रोग दे रही है, तो उसी समय हम उन ग्रहों के मतलब ग्रह गोचर का भी हमें विचार करना चाहिए। जब हम गोचर को देखते हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, गोचर को देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम चंद्र कुंडली से देखते हैं और एक हम लग्न कुंडली से देखते हैं। तो चंद्र कुंडली से वो मनोदशा को भी बताता है, स्वास्थ्य को भी बताता है, और लग्न कुंडली से भी बताता है, वो दोनों प्रकार से काम करता है। तो अब इसकी बेसिक की जानकारी तो मैं नहीं दे पाया आपको कल, क्योंकि ये विषय ये जो क्षेत्र है इसका ये बड़ा है। परंतु मैं सामान्य सी बात इसमें यह कहूंगा कि इस कुंडली में जो रोग का स्वामी है शनि, उसकी जो स्थिति है वर्तमान में जनवरी में वो 6ठे भाव में चल रही है, रोग देने वाले भाव में चल रही है। तो जब रोग देने वाला ग्रह गोचर में घूमते घूमते रोग देने वाले घर में ही आ जाएगा तो उस समय पर भी वो रोग देता है। और एक आपने वो नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं भी शनि की साढ़सती है, शनि की ढैया है, तो वो भी हम देखते हैं इसमें, उसका भी प्रभाव इसमें काउंट होता है। प्रत्येक ग्रह के ऊपर जो हमारा जन्म का है, जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जहाँ पर बैठा हुआ है, वर्तमान में ग्रह कहाँ पर भ्रमण कर रहा है, तो वो उसके ऊपर उसका जो है वो बहुत काम करता है वो भी।
अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव करेगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समय को जब हम निर्धारण करते हैं इसमें, तो उसमें हमें दशा को भी लेना चाहिए। जैसे हमने इसमें देखा कि शुक्र की और बुध की दोनों की दशाएं चली, तो मतलब इनको रोग हुआ, और अगर हम अपने बेसिक नियम को यहाँ अप्लाई करते हैं तो वो यहीं पर अप्लाई हो जाता है। फिर जब हम टाइमिंग की बात करते हैं तो दशा के साथ हमें गोचर भी लेना चाहिए कि जो बीमारी का जो हमारा ग्रह है यहाँ पर शनि, वो अभी रोग स्थान में ही है, तो वो भी रोग स्थान में होने के कारण रोग की वृद्धि करेगा। और एक चीज और इसमें ये होती है कि जब ग्रह अपनी सही राशि में होता है तो वो रोग को नियंत्रित भी करता है, देता भी है, नियंत्रित भी करता है, ये उसका होता है। परंतु मतलब रोग ऐसा कहेंगे कि वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हो पाता। तो इसमें अभी इस कुंडली में देखे तो इनकी जो मीन राशि है, और मीन राशि में शनि की जो साढ़ती है वो अभी जनवरी से प्रारंभ हुई है। तो अगर हम इसमें आगे की बात करें भविष्य की, तो अभी इनका क्या है कि शुक्र की मातृदशा 2025 तक है, और शुक्र में अभी बुध की जो अंतरदशा है वो भी चल रही है 2024 तक। तो शुक्र में बुध की दशा इसको अच्छी नहीं कहेंगे, तो ये यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी इसमें दशा के अनुसार हमें प्रयास करना पड़ेगा इनको ठीक करने के लिए। फिर उसके बाद हम गोचर की बात करेंगे, तो इसमें शनि अभी देखें ना आप, अगर पंचांग को देखो या आप नेट पर चेक करें कि शनि कौन सी राशि में है, तो शनि 11 नंबर की राशि में है, कुंभ राशि में अभी है। तो शनि जो है वो अभी कुंभ में है, फिर 2025 में जो है ये फिर मीन राशि में भी जाएंगे, फिर उसके बाद आगे इस तरीके से वो गति करेंगे। तो अगर इस कुंडली के ऊपर ये कहा जाए कि आगे के जो हमारे ग्रह हैं वो क्या जो है वो परिणाम देंगे, तो शनि की साढ़सती को देखते हुए इसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट भी हमें साथ में लेना होगा, और इसके अतिरिक्त जो भी हम ग्रहों के निमित्त कर सकें, अब मैं थोड़ी सी उपाय पर चर्चा करके अपनी बात को विराम जो है वो दूंगा, कि हमने ये देखना होता है कि कुंडली में हमें किस ग्रह को बचाना है, किस ग्रह को हमें शांत करना है। आमतौर पर हमारे शरीर में जिस तत्व की मात्रा अधिक होती है उस तत्व को हमें बैलेंस करना होता है कम करके। तो जो कम करने का जो सिद्धांत होता है वो होता है कि हम उस ग्रह के लिए दान कर दें, उस ग्रह के लिए मंत्र जप कर दें, इस प्रकार से उसकी शांति होती है। और जिस ग्रह को हमें मजबूत करना होता है, जो हमें रिक्वायर्ड होता है, हमें अभीष्ट होता है, उसको हम उसकी हम पावर को बढ़ाते हैं, उसके हम शक्ति को बढ़ाते हैं। तो केवल एक लॉजिक पर भी अगर हम काम करें तो उसमें भी हमें अच्छा जो है फल मिलता है। तो अगर हम इस कुंडली में देखें, बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह कमजोर हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो बुध है वो कई तरीकों से कमजोर है, क्योंकि रोग भाव का स्वामी इसको देख रहा है, अष्टम में ये बैठा हुआ है, शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है, और कल एक आदरणीय प्रबुद्ध जन है, मैं नाम नहीं ध्यान, राहु जो है ना, राहु इनकी ओर आ रहे हैं। तो बुध और जो शुक्र है ये भी कमजोर है, मतलब इन दोनों ग्रहों को बल देने की आवश्यकता है। इन दोनों ग्रहों को बल किस प्रकार से दिया जा सकता है, मंत्र जप से भी ग्रह बली होते हैं, कि व्यक्ति स्वयं मंत्र जप कर सके, नहीं तो उसके निमित्त मंत्र जप आदि किया जा सके, और खान पान की चीजों से भी जो ग्रह हैं वो बलि होते हैं। जैसे बुध हरे पदार्थों को सिग्निफाई करते हैं, शुक्र सफेद पदार्थों को, क्रीम पदार्थों को करते हैं। तो ऐसे कपड़े पहने जाएं, ऐसा खान पान किया जाए जिससे ये ग्रह बलि होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जो इलायची है वो हरेपन में होते हैं, बुध भी हरेपन में होते हैं, तो वो इलायची का प्रयोग करने से बुध ग्रह मजबूत होगा। इनके जो स्टोन के जो पत्थर हैं उनको भी हम रिकमेंड करते हैं, जैसे बुध के लिए पन्ना पहना जाता है, या शुक्र के लिए हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ओपल पहना, या फिर हमें हीरा पहने, मोजोनाइट पहने, स्फटिक पहने, कुछ भी पहने। तो इसमें जो हमारे अच्छे ग्रह हैं उनको हम इस प्रकार से बलवान कर सकते हैं, और जो ग्रह हमारे ग्रहों को कमजोर कर रहे हैं, हमारे अभीष्ट ग्रहों को जो कमजोर कर रहे हैं, उनके निमित्त हमने जाप आदि करा के उनके लिए दान करा दिया, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। बाकी अभी मैं कहूं कि मैं पूरी तरह से चर्चा में नहीं कर पाया जितना समय था, क्योंकि ज्योतिष के नियम जो है वो बहुत हैं। तो मैं इतनी बात कह करके मैं आपको विराम देता हूं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं पुनः से।
जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जितना बताया वही हमारे लिए अभी तो पर्याप्त है। ये उसके बहुत सारे आयाम जो हैं उस आपने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, और आरंभ से लेकर के उसके कितनी सारे पक्ष जो हैं वो आपने 3 सूत्रों में हमें बताए कि किस तरह से उनको हमें देखना है, दृष्टि देखनी है, युति देखनी है, स्थिति देखनी है, और फिर उसमें जो ग्रहों का अपने भावों के साथ संबंध, राशियों का अपने भावों के साथ संबंध, इन सबको ध्यान में रखते हुए, यानी कि इसका मतलब है कि कितना सारा व्यवस्थित ज्ञान मनुष्य के पास होना चाहिए, उसके पास रीजनिंग हो, लॉजिक हो, तब जाकर के वो कोई आगे की बात बता सकता है, समझा सकता है, कोई निष्कर्ष निकाल सकता है। तो ये जो हमारे पर आरोप लगते रहे हैं भारतीय नॉलेज सिस्टम्स के ऊपर, भारतीय विद्याओं के ऊपर जो आक्षेप और आरोप लगा करके उनको निम्न सिद्ध करने का एक पिछले 70-75 वर्ष में प्रयास होता रहा है, 100 वर्षों में, उसको इस माध्यम से हम चुनौती दे सकते हैं कि ये वस्तुतः पूरे का पूरा एक विज्ञान है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, और साथ ही साथ अंतर्दृष्टि भी है। और ये विज्ञान कोई जड़ विज्ञान नहीं है, जैसे विज्ञान के अध्यापक पढ़ाते हैं बिल्कुल जड़ता के साथ, बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से, कि वैसा नहीं है। इसमें संवेदना भी चाहिए और इसमें पूरी कैलकुलेशंस भी आपको आनी चाहिए, पूरा मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो इस दृष्टि से आज का आपका ये वक्तव्य, 2 दिनों का ये वक्तव्य बहुत प्रभावी रहा है और हम लोगों का ज्ञानवर्धन भी हुआ है। तो समय क्योंकि हमारे पास कम है, तो मैं चाहूंगा कि यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है, तो बहुत संक्षेप में रखें, और उसके बाद डॉक्टर अनुभा जी जो कन्वीनर हैं इस सारे कार्यक्रम की 2 दिन के, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद दें। यदि किसी की कोई टिप्पणी है, डॉक्टर सर, मनमोहन। हाँ एक जी जी मैम। छोटा सा प्रश्न मेरे उसमें भी आया था, के हाँ बीच में बताया भी था कि ग्रह और नक्षत्र इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, मतलब बिल्कुल एक जिसको हम एक लाइन में विभाजित कर सकते हैं। ओके जी देखिए, आपका आपका जो घर है वो राशि राशि है, आपका जो घर है वो राशि है। आपके घर में जो कमरे हैं वो नक्षत्र हैं और आप ग्रह हैं। ठीक ग्रह का मतलब होता है जो मतलब जो गतिशील है, जो भ्रमण करता है, ये और जो परिभाषा है, वैसे जो गृहणाति इति ग्रह भी कही गई है, परंतु ये देखें कि जो हमारा ये जो भचक्र है ना, जो हमें आकाश ऊपर दिखता है, जो गोलाई में हमें आकाश दिखता है ना, तो भचक्र इसमें जो जो स्थिर हैं, जो तारे टिमटिमे हैं, ये इनको 360 डिग्री का एक गोल मान करके इनको 12 समान भागों में विभाजित किया, आकृति के अनुसार उनको राशि बोल दिया, मतलब ये निश्चित है, फिक्स है। और फिर इन इन राशियों के अंदर ही जो छोटी आकृति जो बनती है वो 27 बनती हैं, तो वो उनका वर्गीकरण 27 नक्षत्रों में कर दिया। और फिर जो ग्रह हैं, जो हमारे वो भ्रमणशील हैं, वो जब हम पृथ्वी से उनको जब हम देखते हैं, तो वो हमें दिखते हैं कि ये ग्रह हमारा इस राशि में है और इस नक्षत्र में है। तो ग्रह जो है वो गतिशील रहते हैं, जो नक्षत्र राशि है वो स्थिर रहती है। तो ये इनमें अंतर है। ठीक है, धन्यवाद। तो वैसे टेक्निकली तो थोड़ा सा और तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि प्लैनेट और स्टार्स में जैसे अंतर होते हैं, उसी तरह से ग्रह, नक्षत्र और तारा, 3 शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अभी तो हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन जी और उसके बाद डॉक्टर रमेश जी। मैडम, ये 360 डिग्री को 27 से डिवीजन भाग कर दिया, 13 डिग्री 40 मिनट आएगा। एक एक जो पोर्शन है वो नक्षत्र कहलाता है, यदि 360 डिग्री को 27 से डिवाइड किया जाए। जैसे कि जब सर बता रहे थे 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हर उसके अंदर आएंगी, तो हर राशि में 2 नक्षत्र जो है वो कम से कम देंगे। दूसरा नक्षत्र जो है उनके जी लिए जी आप बिल्कुल
जो स्थिति है वो फिक्स रहती है। जैसे आज मान लिया हमारे पास कृतिका नक्षत्र है, उसकी फाल्गुनी से दूरी जो है हमेशा वही रहेगी, जबकि ग्रहों की दूरी आपस में बदलती रहती है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत है। लेकिन सर ने बहुत कम समय में बहुत डिटेल में हमें समझाया। एक प्रश्न मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि इससे रिजल्ट ये निकला कि सस्टेज जो है हर व्यक्ति कुंडली में किसी न किसी स्थान में जरूर होगा, इसका मतलब हर आदमी कभी न कभी बीमार जरूर होगा, ये एक जर्नल निकल गया है इसमें से। जी जी, क्योंकि सस्टेज होगा तो शरीर का कोई न कोई प्रभावित होगा। दूसरा, यदि सस्टेज जो है वो भाग्येश और लग्नेश भी हो, जैसा कि वृक लग्न की कुंडली में शुक्र है या कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति है, तो उसका प्रभाव क्या रहेगा, ये एक मिनट में सर बता सकें तो। जी जी, मैं आपके ना पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, फिर दूसरे का उत्तर देना चाहूंगा। जी, तो आप एक बार मेरे को आप इसके संक्षेप में पहला प्रश्न बोल दीजिए, फिर मैं उसका साथ ही उत्तर दूंगा, फिर दूसरा आप बोलिए, फिर मैं देता हूँ। हर कुंडली में सस्टेज किसी न किसी स्थान पर रहेगा हर व्यक्ति में, इसका मतलब हर व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होगा। जी, देखिए रोग हर व्यक्ति को होता है जीवन में, कभी ना कभी होता है। एक बात यह है कि हमें उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी देखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे लग्न से, वो देखेंगे सूर्य से। तो अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, यानी उसका लग्न मजबूत है, लग्न का स्वामी मजबूत है, प्राण देने वाला सूर्य मजबूत है या अन्य ग्रह मजबूत है, तो रोग तो होगा पर रोग इतना नहीं होगा कि वो उसको प्रभावित कर सके। जी जी, बहुत बढ़िया। तो जिस व्यक्ति की भी हम कुंडली देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें 12 के 12 भावों को देखना चाहिए, उस टाइम उन भावों की मजबूती पता लग जाएगी। 9 के 9 ग्रहों को देखना चाहिए, उनकी मजबूती पता लग जाएगी। राशियों को देखना चाहिए, उनकी मजबूती पता लगेगी। उस तरीके से बिल्कुल आप एक स्टैटिस्टिक चार्ट बना सकते हैं और फिर एक प्रतिशत का भी निर्धारण कर सकते हैं। जब इस पद्धति से जब हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही वो चीजें सामने आ जाती हैं। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मान लीजिए सस्टेज की बात आपने कही, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर सस्टेज की दशा जीवन में आती नहीं है, सस्टेज तो बैठ गया, वो तो बैठ गया, उसका कार्य है बैठना, परंतु कई बार क्या होता है कि सस्टेज की दशा ही नहीं आती। मान लीजिए किसी का जन्म ऐसे समय पर हुआ कि शुक्र की दशा है प्रारंभ हो रही है, या क्योंकि शुक्र की दशा 20 वर्ष होती है, जो है बुध है वो भी 17 वर्ष लेते हैं, शनि 19 वर्ष, तो कई बार व्यक्ति के ऊपर सस्टेज की दशा ही नहीं आती, ऐसा भी होता है। वो अंतर दशा में आएगा, थोड़े टाइम के लिए आएगा। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि हमें मतलब प्रत्येक भाव को, ग्रह को, राशि को अगर हम बलाबल सारा उसका निश्चित कर लें तो वो किसको कितना प्रभाव देगा उसको एक्यूरेसी से बताया जा सकता है, प्रतिशतता के आधार पर उसको बताया जा सकता है। जी धन्यवाद। जी, दूसरा प्रश्न आपने किया था एक बार, वो भी बता दें, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। वो ये था कि जैसे सस्टेज भी है और भाग्येश भी है, या सस्टेज भी है लग्नेश भी है। जी जी, जैसे वृष राशि कुंडली में शुक्र जो है लग्नेश भी है, सस्टेज भी है। कर्क राशि की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली में बृहस्पति जो है वो सस्टेज भी है, भाग्येश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव औरों से कम रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसमें फर्क पड़ेगा नहीं? देखिए, जो हमने इस हिसाब से बात की, जैसे कुंडली में रोग देने के जो हमने सूत्र पढ़े, वो पहला सूत्र तो ये है कि वो ग्रह किस भाव का स्वामी है, ठीक है, तो किस भाव का स्वामी है। अगर वो छठे भाव का स्वामी है और वो फिर वो नवम भाव का स्वामी है, तो इसका मतलब ये है कि वो रोग भी देगा और नवम भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण रोग की निवृत्ति का भी मार्ग बताएगा। दोनों चीजें जो है वो देगा, जब एक ग्रह को जब दो भाव मिल गए, दोनों चीजें मिल गई, अब देखो एक व्यक्ति में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, उसी प्रकार से ग्रह में भी अच्छाई और बुराई होती है, तो वो रोग भी देगा परंतु रोग नियंत्रण की शक्ति या उसका मार्गदर्शन भी वो साथ साथ जो है वो देगा। जी, ये चीज उसमें आती है। ठीक है, पहले तो मैं मुकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने कम समय में उन्होंने मुख्य मुख्य बिंदु को छुपाया है। फिर भी मेरे दो तीन मुख्य मुख्य प्रश्न है, छोटे छोटे से।
एक तो जब हम ग्रहों का बल ही देखते हैं तो कई तरीके से देखते हैं, आपने बीच में टच भी किया है कि उच्च है वगैरह वगैरह, तो यदि सस्टेश बलवान है तो हम उसको शुभ असर देने वाला मानेंगे या खराब असर देने वाला। एक तो देखिए इसमें हम ये कहेंगे कि जो ग्रह होता है ना उसमें दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, दो प्रकार की प्रवृत्ति जो है वो ग्रह के अंदर होती है। एक होता है कि वो स्वाभाविक रूप से कैसा है, स्वाभाविक रूप से अच्छा है या स्वाभाविक रूप से बुरा है, और दूसरा होता है वो भावेश के अनुसार जो है वो कैसा है, भावेश के अनुसार अच्छा है या बुरा है। तो जैसे हम छठे भाव की बात करते हैं, छठे भाव को हम नौकरी के दृष्टिकोण से भी विचार करते हैं, सेवा कर्म के अनुसार विचार करते हैं। तो छठे भाव का स्वामी यदि मजबूत है और छठा भाव जो है रोगदायक भी है, तो अब मैं सिर्फ दो बिंदुओं पर ही बात करूंगा। तो वो जब षष्ठेश मजबूत है तो वो नौकरी के संदर्भ में अच्छा करेगा, परंतु षष्ठेश यानी बीमारी का होकर के वो मजबूत है तो वो बीमारी भी अच्छे स्तर की देगा। जो हमारा जो रूल है, दो प्रकार से हम ग्रह का निर्धारण करते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो भावेश के अनुसार हम उसको बुरा ही मानेंगे, वो रोग के संदर्भ में वो बुराई करेगा, यानी बली होकर के भी वो ज्यादा जी। अभी अभी जैसे मान लीजिए ये जो कुंडली हमने देखी है, ये जो कुंडली पे हम चर्चा कर रहे थे, तो इस कुंडली में जो छठे भाव का स्वामी है शनि है वो उच्च होकर के बैठा हुआ है ना। तो अब अगर शनि को अगर हम देखें, मतलब इसमें खैर बहुत सारे बिंदु देखने पड़ते हैं नौकरी के दृष्टिकोण से, परंतु अगर हम केवल सक्सेस को देखें तो वो मतलब नौकरी के लिए अच्छा योग बनाता है, परंतु वो रोग भी जो है फिर कठिन रोग देता है, क्लिष्ट रोग देता है, मतलब जो जो भी वो देगा वो उच्च स्तर का देगा। छठे घर के पास बीमारी भी है रोग भी है तो वो दोनों अच्छे उच्च स्तर की देगा। ये कहने का तात्पर्य है कि जो ग्रह हमारा अच्छा है और बलवान है तो वो हमारे लिए अच्छा है, और जो ग्रह बुरा होकर के बलवान है तो फिर वो बुरा है। इसी के साथ संबंधित है जो कि इस कुंडली में भी वैलिड है कि यदि ये षष्ठेश या दूसरे अन्य ग्रह वक्री हो जाते हैं तो क्या वो शुभ असर देंगे या खराब असर देंगे। एक बार रिपीट करें अपने प्रश्न को। यदि जो भी ग्रह हम यही लेते हैं षष्ठेश, क्योंकि इस कुंडली में षष्ठेश शनि वक्री भी है, तो उच्च का ग्रह वक्री होकर ये तंग ये कर सकता है या जी, ये शुभ फल दे सकता है वक्री होकर। देखिए वक्री जो ग्रह है ना उसका जो परिणाम है वो विपरीत हो जाता है। वक्री ग्रह का जो मतलब अगर हम देखो ग्रंथों के अनुसार हम देखते हैं, उत्तर कालामृत के अनुसार ये और ग्रंथों के अनुसार देखते हैं कालिदास तो उनका जो वक्री का मतलब जी 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 तो मतलब वो उनका ये विचार है, उनका ये मानना है कि वक्री मतलब विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। तो अगर वो शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता में कमी आ जाती है, और अगर वो अशुभ है तो फिर वो शुभता की ओर बढ़ जाता है। पर यहाँ पर इसका जो विचार है कि ये तो एक यहाँ पर शनि को शुभ लेंगे या अशुभ लेंगे वक्री होकर। देखिए शनि को यहाँ पर शुभ और अशुभ की जब हम चर्चा करेंगे क्या होता है कि हम एक तो क्या होता है कि सूत्रों को हम एक उठाते हैं ग्रंथ से उठाते हैं, और दूसरा फिर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो मैं इसको जो मतलब प्रैक्टिकली अगर आपको बात बताऊं तो इसको हम रोग के दृष्टिकोण से तो इसको खराब ही लेंगे। हम किस तरीके से खराब लेंगे वो मैं एक बार बता दूं आपको, क्योंकि जब तक उस पर चर्चा नहीं होगी बात नहीं होगी वो स्पष्ट नहीं होगी। देखिए जो राशि के अनुसार ये सही जगह पर है उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, जब इसकी दृष्टि को अगर आप देखेंगे ना, इसकी दृष्टि को आप देखेंगे, क्योंकि जो शनि है ना रोग भाव का स्वामी है, जिस भाव में बैठ जाएगा उस भाव को यहाँ उतना बुरा नहीं करेगा, मुख संबंधी समस्या को उतना बुरा नहीं देगा, क्योंकि उस भाव में तो वो अच्छा बैठ गया, परंतु उसकी दृष्टि अगर आप देखें वो बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है तो बृहस्पति को जरूर ये खराब कर देगा, बृहस्पति की हानि कर देगा। और फिर इसकी जो दृष्टि है वो बुध के ऊपर पड़ रही है, और बुध यहाँ पर देखें आप 7 अंश का है और शनि जो है वो 21 अंश का है। तो ये मतलब एक बहुत ही बड़ा नियम है कि जब वक्री ग्रह अधिक उसका हो और मार्गी ग्रह जो है वो कम अंश का हो तो उनमें आपस में जो संबंध बनता है वो बड़ा ही नुकसानदायक होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। तो शनि ग्रह जो है केवल दूसरे भाव के लिए यहाँ पर ठीक कह सकते हैं आप, कि अपनी उच्च राशि में बैठा है उसका वहां नुकसान नहीं करेगा उस भाव का,
परंतु दृष्टि से जो है ये चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं और चतुर्थ भाव का जो बैठा हुआ ग्रह है वहां पर बृहस्पति उसकी हानि करेगा और बुध की हानि करेगा। तो इसलिए इसके मतलब हर एंगल से इसका विचार करना पड़ता है तभी मतलब उसको उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो एक ही ग्रह है वो अच्छा भी करेगा बुरा भी करेगा, तो उसने मतलब दृष्टि जो है उसको काफी सही है, समय भी चाहिए और सब नियम उसके अलग अलग होते हैं विचार करने के। जी एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम यहाँ देख रहे हैं उसको हम सूर्य चंद्र कुंडली में भी वैसा ही देखेंगे ताकि कोई ये निश्चित निर्णय पर पहुंच सके। थोड़ी आवाज स्पष्ट नहीं हुई डॉक्टर साहब। हाँ मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपने जैसे बीच में जिक्र भी किया था कहीं चंद्र कुंडली वगैरह पर, जब हम लग्न कुंडली देखते हैं तो क्या चंद्र कुंडली के साथ भी वैसा ही विचार करके उस बात का महत्व बढ़ाएं या कभी चंद्र कुंडली का बल ज्यादा हो जाता है और ये लग्न कुंडली का। जी जी हाँ रुचिकर प्रश्न है। आपको एक कष्ट करना पड़ेगा प्रश्न को एक बार फिर बोलना पड़ेगा बीच में होगा ना आवाज आपकी खंडित होगी तो प्रश्न ये है कि हाँ वो है कि चंद्र कुंडली का भी उतना ही महत्व है जितना कि ये सूर्य कुंडली का मुख्य या लग्न कुंडली का। चंद्र कुंडली का क्या ना पूरा सुन नहीं पाए एक बार फिर पुनः बताएं आप। हाँ चंद्र कुंडली का मतलब कितना महत्व है इस सारे प्रक्रिया में स्वास्थ्य की दृष्टि से? कई बार ऐसा देखिए जो चंद्रमा है ना चंद्रमा जो है वो उसको अलग से लग्न माना गया है, चंद्र लग्न के नाम से हम बोलते हैं उसको। और नियम ये होता है कि अधिकांश अगर आप भारतीय ज्योतिष को पढ़ेंगे तो उसमें चंद्र कुंडली का विधान है कि गोचर में अवश्य अप्लाई करें और आपकी जो जन्म की चंद्र राशि है उससे कोई ग्रह कहाँ पर जा रहा है इसका विचार किया जाता है। परंतु इसमें जब आप प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो लग्न कुंडली भी देखें और चंद्र कुंडली भी देखें। जब देखो किसी भी बीमारी होने में मनोबल का बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई तो उस कुंडली के अंदर हमें उसके चंद्रमा को तो देखना ही पड़ता है, बिना उसके कार्य नहीं चलता। यानी मैं कहूँ कि लग्न कुंडली का भी योगदान है और चंद्र कुंडली का भी योगदान है। और अब ये डिसाइड थोड़ा अपने अनुभव से करना पड़ेगा कि हमें किस चीज की आवश्यकता होगी। देखो जिसकी तो चंद्र जिसका चंद्रमा अच्छी पोजीशन में है, जिसकी चंद्रमा जो है वो मजबूत है, तो वो व्यक्ति रिकवरी जल्दी करता है क्योंकि उसका मनोबल जो है वो अच्छा होता है और वो हतोत्साहित नहीं होता, तो वो अपने आप को भी मोटिवेट कर सकता है स्वयं। परंतु जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, समझो कि बीमारी उसको 50% आई तो 30% वो अपनी ओर से बना लेता है। तो ऐसे लोगों की कुंडली में चंद्र कुंडली को देखना ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और जिसकी चंद्र कुंडली मजबूत है उसकी अगर आप नहीं भी देखेंगे तब भी कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट जो है वो हमें जल्दी ही करना चाहिए जहाँ पर हम मन की लेकर के मनोविज्ञान को ध्यान में रख करके इस सारी कुंडली की चर्चा करें, क्योंकि शरीर विज्ञान तो ठीक है अपनी ओर उस दृष्टि से, लेकिन बेहतर होगा कि हम मनोविज्ञान की दृष्टि से कुंडली का विश्लेषण करें और समझने का प्रयास करें कि भाई कहाँ कहाँ कौन से अवसाद होते हैं, कौन से डिप्रेशन आते हैं और किस तरह से मन विकृति में चला जाता है। तो उस पर एक विशेष चर्चा मुझे लगता है रखेंगे। तो मुझे लगता है डॉक्टर रमेश जी हमारे साथ सहमत होंगे, तो निकट भविष्य में आशा है कि ये हमें आगे भी लाभ में हम करेंगे। एक छोटा सा बहुत बहुत छोटा सा प्रश्न है पांव के लिहाज से, आपने बोला है तो क्या ग्रहों की वस्तुओं का दान करना अच्छी बात है, हम किसी व्यक्ति को या किसी पशु को दे सकते हैं? डॉक्टर साहब वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो दान देना है ग्रहों के निमित्त ये उचित है या उचित तो बात नहीं है, युक्ति संगत है या नहीं है? डॉक्टर साहब मुकेश अभी जी भाई बीच में ना वो जो आवाज है वो खंडित हो रही है इसलिए बिल्कुल भी नहीं पता कि आपने क्या बात की। हाँ नहीं नहीं बस अभी समाप्ति कर रहे हैं हम लोग। वो ये जो दान देना है ग्रहों के निमित्त ये युक्ति संगत है या नहीं है? भाई साहब एक बार आपको प्रश्न बोलना पड़ेगा। हाँ। मैं थोड़ा ये अभी कुछ 10 मिनट पीछे से ही अभी समस्या आ रही है कि आपके प्रश्न नहीं सुनाई दे रहे हैं ध्वनि। अच्छा। खंडित होने के कारण पता नहीं लगा कि आपने क्या प्रश्न किया। हाँ।
डॉक्टर साहब का प्रश्न ये है कि ये जो ग्रहों के निमित्त दान देना है ये युक्ति संगत है या नहीं है? सर इसमें मेरा भी प्रश्न जोड़ लीजिए कि दान कहाँ देना चाहिए। दान वो... सर एक तरफ तो लगता है कि हमें जैसे जरूरतमंद लोग हैं उस तरफ जाए, या फिर जहाँ मंदिरों या जहाँ फिर मतलब कहाँ जाना चाहिए दान अगर देना है तो? वो दान पात्र में ही दिया जाना चाहिए। फिर सर जरूरतमंद वाले लोग तो वो कभी उठी ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो भी पात्र हैं, वो अपनी तरह के पात्र हैं, उनको भी दान देना आप लोगों का दायित्व है, हम सभी का दायित्व है जिनकी आवश्यकता है, और जो योग्य हैं विद्वान हैं उनको भी देना जो है वो बनता है, तो ऐसा नहीं है वो। उसके ऊपर आप धर्म शास्त्रों के ऊपर जब चर्चा रखेंगे ना दान पर वो करेंगे, क्योंकि आजकल की इकोनॉमी इसीलिए बिगड़ी हुई है क्योंकि हमने धर्म शास्त्रों को तो कभी ध्यान दिए नहीं। लेकिन चलिए अभी मुझे लगता है कि भी डॉक्टर साहब के साथ बात नहीं हो पा रही, तो हम यहीं रोकते हैं आज की बात को, और इसका एक अगला भाग हम जरूर लेंगे जो केवल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए लेंगे कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा और मन कैसा होगा और कौन से ग्रहों से मन की विकृतियां कैसी होती हैं और मन की सुकृतियां कौन सी होती है। जी जी भाई साहब, जी भाई साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो बीच में मैं अभी ना रिज्वाइन किया, इसको आप थोड़ा आवाज आ रही है जी, तो जी। यदि कोई आवश्यक प्रश्न रह गए हो तो इच्छुक है तो पूछिए, कोई बात नहीं। हाँ वो यही था उनका प्रश्न कि भी ये जो दान देना है ग्रहों के निमित्त ये कितना युक्ति संगत है। देखिए हमारे शास्त्र में तो देखिए पंक्ति पढ़ते हैं तो ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीना नरवरा, मतलब सब कुछ जो है ना वो ग्रहों से ही आच्छादित है। तो प्रैक्टिकली मैं अगर बात करूँ इसकी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूं आपको, तो मैंने बताया कि जिस ग्रह को हम अपने से जिसका इफेक्ट अपने से कम करना चाहते हैं उस ग्रह के लिए दान किया जाए तो बीमारी के दृष्टिकोण से वो बड़ा ही शीघ्र फलदायी होता है, बहुत ही अच्छा उसका परिणाम आता है। आवश्यकता इस बात की है कि आपको गहराई से कारण को पकड़ना होता है कि ये किस कारण से बीमारी हो रही है, कौन सा ग्रह जो है वो कारण बन रहा है उसका, आप उस ग्रह के लिए आप दान दीजिए। मैं मतलब मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव ये है कि वो बहुत जल्दी काम करता है और बिल्कुल सटीक काम करता है। जैसे हम आयुर्वेद में देखते हैं कि भाई हमारे शरीर में वात अधिक है, पित्त अधिक है या कफ अधिक है, तो हम क्या करते हैं उसका बैलेंस बनाते हैं, तो वात वाली अगर वात अधिक है तो वात वाली चीजों को बंद कर दे रहे हैं जी। तो ऐसा प्रयास करते हैं कि उसका जो वात है वो बैलेंस आ जाए, और बाकी जो एलिमेंट जो मान लो पित्त है या कफ है अगर हमने उनको बढ़ाना है तो उनसे संबंधित तत्वों को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जो चीजें वात को बढ़ाती हैं हम उनको अवॉइड करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि उनका एक विधिवत संकल्प करके उनका दान कर दिया जाता है, उनको अपने से दूर कर दिया जाता है, तो वो उनका जो प्रभाव है वो फिर कम होता है। तो वो निश्चित रूप से उपयोगी है, मतलब मैंने तो ये अनुभव किया है कि देखो यदि आपकी आयु है तो आपने बीमारी के कारण को ढंग से पकड़ लिया है तो आप दान करेंगे तो वो निश्चित रूप से फलदायी होगा, मतलब वो आप उसको 100% ले सकते हैं, 100% आप उसको ले सकते हैं, उस चीज को वो काम करेगा। डॉक्टर साहब इसमें ना वैसे पता क्या है, दान जो है वो आपकी मनोवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है, दान को केवल एक क्रिया समझ रहे हैं, दान का एक मनोवृत्ति के साथ संबंध है कि जब आपसे दान दिलवाया जा रहा है, रिकमेंड किया जाता है, तो उसका मतलब है कि आप भीतर से जो एक मानसिक वृत्ति है उसको आप त्याग रहे हैं, ठीक है ना जी। तो वो ये वृत्तियों के साथ इसका संबंध है, और वृत्तियां जैसे ही ठीक होंगी तो आपका शरीर और मन अपने आप स्वस्थ होता चला जाएगा, तो उसके ऊपर हम फिर कभी चर्चा करेंगे कि दान का मनोवृत्ति के साथ संबंध क्या है, जब अगला हम लेक्चर लेंगे तो वो उस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों ने दान को केवल समझ लिया है कि हमने जो है वो धन का दान कर दिया, सोने का दान कर दिया, ऐसा नहीं है। आप जप का दान भी करते हैं, होम दान भी करते हैं, आप बहुत तरह का भावना का दान भी करते हैं, तो बहुत सारे दान है, केवल दान का ये अर्थ नहीं समझे कि आपने किसी को रोटी दे दी है और किसी को अनाज दे दिया, केवल इतना नहीं है, लेकिन उसके पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा हम लेंगे दान के ऊपर रखेंगे।
तो आज हमारी चर्चा को हम यही करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर इंदिरा जी को, तो वो धन्यवाद ज्ञापन करें हमारे सभी प्रतिभागियों का भी, हमारे मुख्य वक्ता का भी। मैडम जी, दो दिन के आपके लिए मेरे जो भी वक्तव्य रहा उसको सुन लगा स्पष्ट है, मनुष्य के भाग्य का जो दर्शन कराता है उसके नाम प्रदेश है। देश की विद्या इतनी विशाल इतनी विस्तृत है कि इसके ज्ञान का अंत नहीं, ये हम इसको जान चुके हैं। नए ग्रहों की खोज होती है, नए तर्कों का निर्माण होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन मेडिकल की दो दिन की जो वर्कशॉप में हमने देव जी का वक्तव्य सुना उससे देखकर हमने जाना तो कुंडली को देखकर रोग को जाना जा सकता है और रोग को जानने के बाद उसको सही दिशा में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अक्सर मैं देखती हूँ जैसे हम उसके जाते हैं और प्रॉब्लम कुछ और ट्रीटमेंट चल रहा होता है, लेकिन मुझे लगा कि ये जब हम जन्म कुंडली के माध्यम से हमें रोग का पता चलता है और उससे कुछ लक्षण हमारे शरीर में भी हो रहे होते हैं तो वो सही दिशा में किया जा सकता है। और सर्वे संतु भवन्तु सर्वे संतु निरामया के साथ डॉक्टर आशुतोष जी द्वारा मार्गदर्शित मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की इस दो दिन की वर्कशॉप में डॉक्टर मुकेश जी के वक्तव्य से निश्चित रूप से सभी को कुछ ना कुछ लाभ और ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा। आशा करती हूँ कि हम इसी तरह के आगे के वक्तव्य जुड़े रहेंगे। आप सभी विद्वत जनों का जुड़ने के लिए डॉक्टर मुकेश जी का, डॉक्टर रमेश वर्मा जी और मनमोहन शर्मा जी और जितने भी विद्वत जन सभी जुड़े हुए हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मुझे आगे भी आप लोगों के साथ इसी तरह गोष्ठी करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर अनुभा जी, आपका विशेष रूप से आभार है कि आपने इस सारे का संचालन किया, संयोजिका बनी, और आपकी प्राचार्य डॉक्टर गुरिंदर जी का भी आभार है कि जिन्होंने ये अनुमति दी कि इस कार्यशाला को हम लोग आयोजित कर सकें बाकी कॉलेजेस के साथ मिलके। और हम सभी प्रतिभागी विद्वानों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसमें सहयोग किया, प्रश्नोत्तर से इसको रुचिकर बनाया। नमस्कार, नमस्कार। और निश्चित रूप से हम सभी का इसने ज्ञानवर्धन किया, मैडम ने बिल्कुल ठीक बात कही, हमारी दृष्टि को व्यापक भी किया और सूक्ष्म भी किया, तो उसके लिए डॉक्टर मुकेश जी का जितना हम आभार व्यक्त करें वो कम ही है। और प्रतिभागियों के प्रति एक बार पुनः अपना आभार व्यक्त करते हुए, और निश्चित ही जल्दी ही हम दोबारा फिर मिलेंगे कुछ और विषयों के साथ और विशेष रूप से भारतीय मनोविज्ञान के ऊपर चर्चा करने के लिए निकट भविष्य में मिलेंगे, और भी बहुत सारे विषय हैं जो हम समय समय पर साथ साथ लेते रहेंगे। तो पुनः मिलने के लिए पुनः आमंत्रण देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज वो फॉर्म भर दीजिएगा। हमारे साथ डॉक्टर रितु तलवार जी जो अध्यक्षा हैं डीएवी कॉलेज जलंधर से, संस्कृत विभाग की, पोस्ट ग्रेजुएट संस्कृत विभाग की, मैडम लवलीन जी हैं यमुनानगर से, डॉक्टर मनमोहन जी, डॉक्टर रमेश वर्मा जी, और उनके साथ मैं किसी भी सज्जन को देख पा रहा हूँ उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। स्वागत तो पहले पता नहीं था लेकिन डॉक्टर अरुणा जी और मैडम मीनाक्षी जी, डॉक्टर शिखा जी और डॉक्टर अमिता रेणु जी जो अध्यक्षा हैं संस्कृत विभाग गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुना नगर की, डॉक्टर चंचल शर्मा हिमाचल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी लोग जो हैं वो बीच में जुड़ते रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्रा, डॉक्टर विनय सिंगल जी कैथल से, तो जुड़ते रहे हैं और सब अपना कार्य पूरा करके चले भी गए हैं, तो उन सब का उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। तो इन्हीं के साथ शब्दों के साथ आज की इस कार्यशाला को हम पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, फॉर्म भर दीजिएगा, अपने छात्रों से इस फॉर्म को बेशक भरवा लीजिएगा ताकि उनको भविष्य में लाभ हो सके। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैडम मीनाक्षी इसको बंद कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मैडम शिखा आप? हाँ जी सर। हाँ प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। ठीक है सर।
और मीटिंग भी ऑफ कर दीजिए।